Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama का. क्या हाल है शाजिया आपके? खूब वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आई एम गुड, हाउ आर यू? घूम रही हैं, खूब मजे हो रहे हैं. कहाँ कहाँ गई हैं आप? बॉर्डर क्रॉस कर लिया, बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी गई थी। बहुत सारे रोलर कोस्टर्स में बैठी, प्रेशर बहुत ज्यादा था, बैठना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब मुझसे छोटे इस साइज के लोग जब बैठ रहे थे तो प्रेशर जरा और बढ़ता गया, क्योंकि वो मुझे बता रहे थे कि आप क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं आप शाजिया। तो फिर मैं बैठ गई, बस कुछ ऐसे ही। या सो या इट वाज फन, इट्स गुड टू टेक अ डे ऑफ एंड बिकम अ चाइल्ड अगेन एंड डू ऑल द थिंग्स दैट यू डोंट डू। एंड आई थिंक दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट अम्यूजमेंट पार्क्स, कि वो आपको अच्छा, उस मुझे तो जगह कोई ले कितनी भी जाते हैं। धमकी दे दे, कितनी भी शर्म दिला दे, कितने भी ताने दे दे, आई एम नॉट गोना सिट ऑन रोलर कोस्टर. सो आई डिडंट सिट ऑन द स्कैरी वन, द स्कैरी स्कैरी वन्स जो कहते हैं ना, बिल्कुल हाई स्पीड वाली, लेकिन मुझे पानी वाली राइड्स अच्छी लगती है, बिकॉज़ यू गेट स्प्लैश्ड एंड इट्स फन, तो उनमें मैं बैठ गई थी। उसमें भी यूं वाली थी एक्चुअली, जो बिल्कुल एंड में जो ड्रॉप होता है ना, ओ माय, आई वाज श्रीकिंग, आई वाज श्रीकिंग, बिकॉज़ आई थिंक व्हेन यू श्रीक, व्हेन यू शाउट, देन द यू नो द फियर गोज डाउन, एटलीस्ट फॉर मी। पहली दफा मैंने किया है मेरा तो मुझे लगता है हार्ट इतना सिंक तो। करता है कि मैं, हार्ट फेल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी. मुझे ऐसा लगता है. आई डोंट वांट टू डू एनी ऑफ दैट. आई एम नॉट एडवेंचरस एट ऑल इन दैट वे. अच्छा, तो मैंने राबिया को ना कल रात को एक ड्रामा देके और बहुत उससे मैंने एक डायलॉग पूरा लिख के ना मैसेज किया, एंड राबिया जो है वो इतनी ढीठ है, इतनी बेहिस है कि कोई जवाब नहीं आया कोई, और इतनी मैं लंबी कहानियां बताई, कल मुझे ये करना ये करना ये करना, उसमें मैंने टाइम निकाल के वो डायलॉग मैसेज किया, लेकिन अफसोस अफसोस के शी इज प्रिडिक्टेबल एज एवर एंड शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, तो क्या कहूँ। मैं क्या बोलूं, मुझे वो डायलॉग सही लगा था. मुझे उस डायलॉग में कुछ इतनी खास बात नहीं लगी थी, वो अजीब सा भी लगा था मुझे, बल्कि समझ नहीं आई मुझे कुछ. बट आई अप्रिशिएट योर एफर्ट फॉर मेकिंग टेकिंग आउट द टाइम टू राइट इट. और थोड़ा मैं नाम चल रही हूँ यार, वीकेंड में बहुत कुछ करने को था. ड्रामे इतने, मतलब एक डायलॉग पे उसका कौन फोकस करे जब लाइन से आपने धड़ धड़ ड्रामे देखने हो. सो या मैं किसी और ही जोन में थी. माई अपोलॉजीज. अच्छा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपको खुद ही गैस करना होगा डायलॉग कौन से ड्रामे से था, लेकिन इट वाज कनेक्टेड टू अ कॉन्वर्सेशन शी एंड आई हैड, आई थिंक इन द लास्ट ड्रामा गप, जिसमें हमने राबी ने कहा था कि मेरी कॉलिंग है, और मैंने कहा था आपकी कॉलिंग है तो मेरी भी कॉलिंग बन गई है, तो ये डायलॉग ये था, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया तो मेरा भी अधूरा नहीं रहेगा, तो उस डायलॉग का डेप्थ आपको समझ नहीं आया, मैं प्रॉमिस, मुझे यू नो व्हाट प्रॉमिस आई, क्योंकि उससे पहले हमारी दिन में ही एक और बात हुई, राइट, अबाउट अनदर प्लान दैट वी वांटेड टू एग्जीक्यूट, जो हमारी बात हुई दो हाँ दिन से. तो मैंने सोचा यही कि तुम ये डायलॉग तुम मुझे कह रही हो. मैंने ऐसे सोचा कि तुमने ये डायलॉग मुझे बोला है. एम आई गेटिंग इट राइट और नॉट? मैंने ही ये डायलॉग आपको बोला है, मैंने ही ये डायलॉग आपको बोला है, और मैंने उस कॉन्वर्सेशन का आई अगला नो. हिस्सा था। हाँ, तो हम एक बात कर रहे थे, एक नया प्लान हम एग्जीक्यूट कर रहे थे जो मैंने शाजिया से शेयर किया था. तो शाजिया ने ये मुझे बड़ा इमोशनल डायलॉग भेजा फ्रॉम 22 कदम, के तुम्हारा ख्वाब पूरा होगा तो मेरा ख्वाब भी अधूरा नहीं रहेगा. हम दोनों का ख्वाब एक ही है शाजिया, तो मेरा ख्वाब पूरा होगा तो आपका भी ख्वाब ही है जो पूरा हो रहा होगा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन अब हमने डायलॉग को इतना डीकंस्ट्रक्ट कर दिया कि उसका सब कुछ जो है ना वो अब खत्म हो चुका है एनीवे। तो ओके. या बट आया मेरे चलो बेनिफिट का. इंशाल्लाह टू हाँ मेरे, एवरी। बट आई वाज नॉट श्योर. मैंने कहा मैं अज्यूम करूं तो शादिया बोलेगी इतना ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है, तो कीप इट टू द ड्रामा ओनली राविया. सो ये ओके, ओके. शैल वी लिस्ट द ड्रामास बिकॉज़ वी हैव क्वाइट अ यस फ्यू। या वी हैव 101 तलाके, नौरोज, 22 कदम, इडियट, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, गुना मुझे कबूल नहीं, एंड यू ही, मैंने नहीं काउंट किया, तुमने काउंट किया तो तुम करियो. मैंने फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके 101 तलाके. अच्छा, 101 तलाके जो है ना राबिया, मुझे लग रहा है उसके वार्म अप में टाइम लग रहा है अभी भी, एंड आई होप इट डज वार्म अप, बिकॉज आई रियली वांट टू सी कि मैरिड कपल्स की देखो प्रॉब्लम्स उन्होंने इंटरेस्टिंग बताई है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, या कोई अच्छा इन लॉज का भी कुछ नहीं है कि ये, बट प्रॉब्लम सही है कि भाई तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं होता, तुम कहते हो तुम थके हुए हो, तुम फुटबॉल गेम देख सकते हो रात को, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं जा सकते शॉपिंग करने के लिए, वो कहते हैं मैं क्या करूंगा, और वो भी विंडो शॉपिंग कुछ खरीदना भी नहीं है, तो सबकी प्रॉब्लम्स चाहे अलग अलग हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, बट दे नीड टू बी रिजॉल्व, सो टीचिंग पीपल टैक्टिक्स ऑन हाउ टू रिजॉल्व देम इज वॉट आई वॉन्ट टू सी इन अ लाइट हार्टेड मैनर।
तो वो, और फिर उन्होंने एक और कहानी भी उसके अंदर डाल दी है, वही कपल की कहानी चल रही है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ और, देयर इज अ न्यू कैरेक्टर हु वांट्स टू गेट मैरिड टू हिज वाइफ सिस्टर व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड. एक प्रेमिस जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है जाहिद अहमद कैरेक्टर रुस्तम कावस जी, विच इज दैट यू प्रपोज टू द पर्सन यू वॉन्ट टू मैरी 2 years आफ्टर शी इज मैरिड टू समबडी एल्स, और वो बार बार ये कह रहा है. तो वो आपको बेसिकली ये बता रहा है कि 2 साल इज योर लिटमस, इज योर टेस्ट फॉर अ मैरिज. 2 साल के बाद एवरी रिलेशनशिप हैज अ डाउनहिल टर्न, एंड दैट्स व्हेन शी स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट ऑल द पीपल शी कुड हैव सेड यस टू एंड ऑल द पीपल. तो वो मुझे एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगा. इट वॉज, पहले मैं भी सोच रही थी बार बार क्यों कह रहा है 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, क्योंकि एंड देन वो कहता है कपल से कि आप वो सोचें कि शुरू में आपको एक दूसरे की कौन सी बात अच्छी लगी थी और आप वो क्यों भूल रहे हैं. सो देर इज सेंस एंड विजडम इन वॉट ही सेइंग, लेकिन वो बातें कहीं हो जाती हैं विद एवरीथिंग एल्स. इट्स अ वेरी बिजी फ्रेम दैट आई सी इन एक सौ एक तलाक के. मे बी शाजिया वो सोल्यूशन नहीं दे रहे, वो सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं इश्यूज जो लोग फेस करते हैं. और वो आपको, जब आप कभी कभी खुद उस सिचुएशन में होते हो तो आपको लगता नहीं है कि कितनी सिंपल सी बातें या चाइल्डिश या एब्जर्ड बातें, लेकिन जब आप निकल के एक थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जैसे बहुत से लोग उसको अब स्क्रीन पे देख रहे होंगे एज अ थर्ड पर्सन, तो इट माइट बी हिटिंग देम कि ओ वी गो थ्रू द सेम थिंग एंड इट्स नॉट नॉट सच अ बिग डील. मे बी दे आर जस्ट मेकिंग यू थिंक एंड स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशंस, दे आर नॉट गिविंग यू सोल्यूशंस. They are not. And अभी जो the couple that we are dealing with, actually the interesting thing is उनके साथ कोई major problem नहीं है दोनों के साथ. As people, they are not bad people, which is what happens in a lot of relationships. But they start having a lot of friction. So I'm really hoping it picks up, क्योंकि अभी मेरे लिए थोड़ा सा downhill जा रहा है. चलिए, मैंने तो ठीक है. देखा नहीं. आई होप आई विल कैच इट अप दिस वीक एंड देन वी कैन हैव अ बिट मोर ओके. डिस्कशन नेक्स्ट वीक. सो वी हैव गुना गुड नाइट. जी. गुना फाइनल हो गया, खत्म हो गया, रैप अप हो गई सारी एपिसोड्स. पता था हमें वही बातें, वी न्यू दी एंड वी वांटेड टू सी हाउ दे वुड एग्जीक्यूट इट. एंड ऑफ कोर्स द एग्जीक्यूशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग. उन्होंने बातें वापस दोहराई और इंटरेस्टिंग थिंग इज कि दे वर वॉकिंग अस थ्रू द थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. कुछ सीन्स बहुत ज्यादा स्केरी थे, जब वो लेट के उसके ऊपर, आई डिडंट थिंक कि उसके मुंह के ऊपर मिट्टी फेंकते हुए दिखाएंगे, बट दे अच्छा, शोड इट. इट्स क्वाइट वर यू ओके विद द लास्ट एपिसोड, द वे थिंग्स टर्न आउट, जिस तरीके से उनको पकड़ा, उन्होंने फॉरेन एडमिट कर लिया और यू वर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स? आई थिंक उनको एडमिट इसलिए करना पड़ा, मैंने सोचा कि क्यों मुकर जाते, इसलिए क्योंकि वो जो रुखसार थी उसकी कहानी थी, एंड आई थिंक इन्होंने उसको भी, रहीम को भी कुछ ब्लैकमेल किया था, तो इसलिए दोनों का मिला के दे हैड द एविडेंस, सो दे हैड टू एडमिट मैं इट. बहुत डिसअपॉइंटेड थी. आई थॉट कि पूरी अभी तक जितना एपिसोड चली है बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत लाइक सरप्राइज पे सरप्राइज, तो ये तो मुझे लगा बहुत ही आसानी से पकड़ लिया है. लाइक उससे पहले वो मलिक हयात और गुलमहर के दरमियान पूरी कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें उससे कहता है नहीं मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं ये कर लूंगा और हम दूर चले जाएंगे, देन व्हाट वाज ऑल दैट कॉन्वर्सेशन अबाउट? सो आई वुड हैव लाइक्ड हिम टू एटलीस्ट ट्राई टू स्केप और डू समथिंग. मुझे नहीं पता, बट फॉर मी द एंडिंग, द एंड एपिसोड वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग. दो लेवल्स पे डिसअपॉइंटिंग थी. एक तो ये, आई रियली लाइक द वे वो जो पूरा उन्होंने दिखाया वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि कैसे गुलमहर ने उसको कैसे फंसाया था और क्या हुआ, कमरा बंद कर दिया, वो आए उसको चांस नहीं दिया और सब कुछ. लेकिन वो जिस तरीके से उनको पकड़ा और वो इतनी आसानी से पकड़े गए और ले गए और एन उस सब, वो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि अभी तक आप ट्विस्ट के बाद ट्विस्ट लेकर आ रहे थे. तो मुझे एक्चुअली वो जो उन्होंने ट्विस्ट बच्चे का दिखाया ना, मुझे वो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा, बिकॉज आई फेल्ट कि कहानी. हाँ मेरा यू यही आर था सेइंग. सेकंड पॉइंट, मेरा डिसअपॉइंटिंग यही था वो जो एंड में उन्होंने दिखाया, विच आई विल कम टू. फर्स्ट यू शेयर योर व्यू. सो माय पॉइंट इज दैट यू आर शोइंग अ मर्डर मिस्ट्री हियर, यू आर शोइंग अ थ्रिलर एंड यू वांट टू. सो नाउ आपने, आप और वो भी लास्ट एपिसोड में, आप एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ले आए हैं व्हिच हैज नथिंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ द स्टोरी. यू कुड हैव जस्ट सेड दैट एनीथिंग कि वो मुझसे बहुत क्लोज हो रहा है, एंड यू डिडंट हैव टू ब्रिंग दैट वर्जन कि वो मुझे छू रहा है, हाथ लगा रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. मतलब उसकी जरूरत नहीं थी फॉर मी, बिकॉज देन आवर माइंड स्टार्टेड गोइंग समवेयर एल्स एंड वी स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाई इज दिस चाइल्ड बिहेविंग लाइक दिस, कि उसकी क्या टेंडेंसीज है, वो क्यों कर रहा है. ये आदमी बैठ के उससे बात नहीं कर सकता था आराम से कि बेटा या अम्मा कि दिस इज राइट दिस इज नॉट राइट, पर वो समझ जाता. बट एंड देन बट दे वेंट ऑन, उन्होंने एलोंगेट किया कि नहीं, व्हाई कांट आई लव हिम, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट.
तो उन्होंने उसको काफी डिटेल में दिखाया है उस पॉइंट को, और फिर छोड़ दिया जैसे अब इसका कोई सीक्वल होएगा। उसके अलावा, अच्छा मुझे ये लगा कि एक तो मेरे लिए सरप्राइज था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, आई वॉज वेरी शॉक्ड जब उन्होंने दिखाया कि उन्होंने एक पोइटिक एंगल डाला कि माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए कुर्बानी दे दी है. माँ नहीं कहती ना, कहती मुझे अपने उसमें कुछ देना, और वो ऊपर देखती है. एक तो सबसे पहली बात ये, मलिक हयात को कुछ भी कह लें, आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी मतलब क्रूड ऑफ हिम, क्या क्रूड भी नहीं, ब्रूटल ऑफ हिम टू मेक हिज किड्स सी ऑल ऑफ दिस. तो ये सबसे यस बड़ा एक लूप बिल्कुल होल था, ऐसा हो नहीं सकता. बच्चे सो रहे होंगे उस वक्त, या कुछ हो रहा होगा, हाउ कैन दैट बी के बच्चों को दिखा रहे हो. मतलब आप तो कह रहे कि मलिक हयात वो कैरेक्टर है जो जिसमें कुछ इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, लेकिन आपने हमें ऐसा उसका कोई बैकग्राउंड नहीं दिखाया अभी तक. हमें ये लगा कि वो फिसल गया है लस्ट में, और लस्ट में जो है वो कुछ करने जा रहा है, लेकिन आपने ये कि बच्चे ऊपर से देख रहे हैं, फिर माँ देख रही है, फिर ये एंगल, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी. सिंपल ये केस था कि दोनों इन्वॉल्व हुए और दे वॉन्टेड टू रिमूव द वाइफ रस्ते से, खत्म हो जाता. फिर दूसरी बात मुझे ये भी लगती है शाजिया कि जब हम मतलब हमें क्या जरूरत है ऐसे टॉपिक्स को टच करके आग को और बढ़ाने की. आई जस्ट फील दैट, ये मैं काफी दफा पहले भी कह चुकी हूँ कि एक चीज को हम अननेसेसरीली क्यों उस पर बात करें जिसकी जरूरत नहीं. या तो फिर आप टॉपिक ही वो लेकर आते शुरू से कि हाउ हाँ जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो दोनों तरफ से कुछ हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट टाइप की बच्चों की कंफ्यूजन या क्या, उसको कैसे करना है, ये एंड में एक डाल के छोड़ने की क्या जरूरत है. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू से समथिंग एल्स, एंड आई डोंट नो इफ दिस वॉज द इंटेंशन, बट दिस इज हाउ यू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, एंड दिस इज हाउ यू इनपुट आइडियाज इन पीपल्स माइंड, एंड थर्ड दिस इज हाउ यू मेक पीपल ओके विद वॉचिंग सर्टन थिंग्स और एक्सेप्टिंग सर्टन वैल्यूज. ये जो हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि हमारे ड्रामे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, इसको इंटरटेनमेंट लें, नो, ड्रामाज आर इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल. आपने पूरी कहानी एक इतनी इंटरेस्टिंग सुनाई, और एंड में आपने एक आइडिया जहन में लोगों के छोड़ दिया है. अब वो उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, या उनको आदत हो गई है थोड़ा सा ये चीज देखने की. एंड सेकेंड, आपने एक माँ का गिल्ट, एक माँ की कुर्बानी ले आए, तो उस टॉपिक, उस आइडिया के लिए ऑलरेडी लोगों की एक सॉफ्ट सी फीलिंग आ गई. सो इट्स वेरी, दिस इज हाउ यू मेक पीपल थिंक और बिकम यूज्ड टू सर्टेन आइडियाज. दैट इज हाउ ड्रामास प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग माइंडसेट्स. एक चीज मैं कहना चाहती थी. सेकेंड, माई क्वेश्चन इज अगेन, वॉज इट रियली नीडेड? डू वी नीड टू प्ले विद द फायर एट दिस पॉइंट इन टाइम? सॉरी, आई थिंक आई एम बींग अ लिटिल बिट ब्लंट एंड वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, बट इट रियली मेड मी थिंक दैट. सो आई थिंक मोर देन दैट मुझे ज्यादा इनकम्प्लीटनेस का था कि वो टॉपिक को, एंड देन अगेन यू हैव अ पॉइंट कि ठीक है वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सर्टन को, बट देन कॉन्वर्सेशंस कैन गो एनीवेयर एंड विच इज ओके एज वेल, लेकिन आप उसको थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं, या आप उसको, आई डू नॉट अग्री कि इसको लास्ट एपिसोड में इस टॉपिक को छेड़ना चाहिए था अभी, दिस इज माई थिंग, बिकॉज हमारी वैसी बहुत मिसकनसेप्शंस हैं अबाउट दीज टॉपिक्स. So my thing is कि was he, wasn't he, why was he doing it? It was never cleared. आगे जाके वो बड़ा होके क्या करेगा? ये सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी, which the average person who is uninformed, who is unaware, should not be watching. तो एक्जेक्टली. सो ये तुमने बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात बोली है कि आप जब इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कि आप किस तरीके से और किसको डिसेमिनेट करें, किसको आगे पहुंचा रहे हैं. जो आपके देखने वाले हैं, क्या उनके पास पूरी बैकग्राउंड नॉलेज और क्या उनके पास इतना एक्सपोजर है कि वो एक एजुकेटेड और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, या कोई माइंड पॉइंट ऑफ व्यू बना सके. कोई भी इस चीज को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है. एंड एक और लूप होल मुझे ये लगा कि अगर बच्चे ने ये सब कुछ देखा था, तो बच्चे को अभी तक बच्चे ने कुछ बाप को क्यों नहीं बोला? जब हॉस्पिटल का भी सीन आया, बच्चा वो सो ओके विद द बाप, हाउ कैन यू बी, आप इतना नॉर्मल रिएक्शन दिखा रहे हैं कि बस उसने वो बाप के साथ ओके है, उसको तो कुछ अच्छा, और और बच्चे के फ्लैशबैक्स में नहीं दिखाया ये कुछ, नहीं. बच्चे ने के फ्लैशबैक्स में आप उसको थोड़ा डबल मीनिंग करके छोड़ सकते थे, बिकॉज मोर देन वो जो उसको बुली कर रहे थे बच्चे, मोर देन दैट उसके दिमाग पे तो ये सीन प्ले करेगा, इफ ही वुड वांट टू कमिट सुसाइड इट वुड बी सीइंग दिस, और दिस वुड बी अ ह्यूजली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रादर देन दैट. तो वो थोड़ा सा, आई एग्री, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मैं भी देख रही थी बच्चे देख रहे हैं, बच्चे क्यों देख रहे हैं, व्हाई इज दिस हैपनिंग, सो दैट शुड हैपन.
ठीक है, वी कैन मूव या ऑन टू द देवर नेक्स्ट. वन स्मॉल पॉइंट, जिस तरह वो गुल महल लेकर गई थी ना इनको, कि बता बता कि नहीं देखो ये मैसेजेस भी हैं, ये भी है, एंड दे कैरिंग ऑन द लोन, को इस तरह बात करता है. व्हाट दे डिड वाज रॉन्ग, बट मलिक हयात वाज कन्विंस्ड दैट दे वर हैविंग एन अफेयर. व्हेन ही किल्ड देम ही वाज कन्विंस्ड, एंड सो वर हर पेरेंट्स. टिल द एंड दे वर कन्विंस्ड, एंड नाउ उसने अपनी सफाई में कुछ कहा, मलिक राइट? वाज नॉट कन्विंस्ड. मलिक हयात और गुल महर का तो प्लान था ना. गुल महर ने तो बनाई थी कहानी, लेकिन उसने मलिक हयात को भी ब्रेन वॉश नो नो किया था. उसने और फिर ऑफ उसने, डिड ही कोर्स टेल मलिक हयात दैट शी हैड लॉक्ड द डोर? उसको पता है, दोनों ने एक साथ वो किया हुआ है, उनको ओके, पता है, उन्होंने उसको चलो ठीक पता है. है क्या प्लान है ये. ऐसा मतलब उसने उसको बताया हो या नहीं हो, बट ही वाज ऑन इट विद हर. ही न्यू दैट दिस इज द प्लान, इट्स नॉट जस्ट अलोन हर. ये सब दोनों ने मिलके प्लान किया था. वो मौका कहाँ से, देखो ना, वो उसे कहता है चाबी लेकर आओ, वो चाबी फौरन लेकर आ जाता है, उसका रहीम जो बंदा है और वो पीछे खड़ा होता है. सो इवन रहीम न्यू इट, दे हैड ऑल प्लान दिस टुगेदर. And to lock them and basically to set them up for the parents, is that what you're saying? मुझे ये नहीं पता कि वो प्लान ये था कि बट उनका प्लान ये था, इन दोनों को करेंगे किसी तरीके से फंसाएंगे और मारेंगे. ये चीज उन्होंने हमें डिटेल में नहीं बताई, बट दे वर ऑल ऑन इट टुगेदर, मलिक हयात एंड गुल गुल महर. ओके, मुझे ये लगा कि मलिक हयात था तो इवल, ठीक है ही, लेकिन उसकी गैरत जागी थी और उसको उसने ब्रेन वॉश किया था कि ये कर रही है. बट अगेन आप लोग बताइएगा, बिकॉज मुझे ये, अनलेस आई मिस समथिंग व्हिच यू सो दैट नहीं, दिस इज मेरा तो व्हाट. नहीं ख्याल. आई थॉट कि गुल महर ने जब डिस्कस किया था वो बड़ी वाली चेयर पे, वो यही तो आइडिया उसको दे रही थी कि देखो इस तरह करके हम उन्हें फंसा सकते हैं. और वो तभी तो उसको कहती है मारो मारो, यू नो. इसलिए बिकॉज वो कहती है कि शी इज हैविंग एन अफेयर. नो बिकॉज ही इज, नो आई डिडंट थिंक इट दैट वे. आई थिंक ही वाज हैविंग डिफिकल्टी, तो ही शी वाज टेलिंग हिम करो, ये मौका निकल जाएगा वरना हाथ से हमारे, हम नहीं शादी कर चल सकते, मारो उसको ताकि हम शादी कर सके. ठीक है, ओके, ऑल राइट, सो वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. कौन सा करना है आपको? मुझे कबूल नहीं. अच्छा बाबा, आपने 3 एपिसोड दे दिए मुझे कबूल नहीं के. पहले आप दो, दो से आप 3 पे पहुंच गए. इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट टू वॉच, लेकिन देख लिए हमने भी. राबिया, आई वाज क्वेश्चनिंग माय सेल्फ, व्हाई एम आई वॉचिंग. मैंने पहला देखा, मैंने कहा मैं क्यों देख रही हूँ दूसरा भी तीसरा भी. Is it because I just want to know what happens? But I think it was more than that. क्योंकि हमने साइको, मैंने पहले भी कहा था, you had said it seems good. मैंने कहा था कि नहीं, मुझे बिल्कुल साइको हस्बैंड लग रहा है, और ये तो हमने देखा हुआ है बहुत दफा, बल्कि समी खान को ही हमने देखा था अभी. मुझे जो है ना मायरा का रिएक्शन अच्छा लग रहा है. शी इज नॉट टोटली आउट देयर. वो उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं क्योंकि बहन की भी शादी हुई हुई है, अम्मा और कोई बात सुन नहीं रहे हैं, लेकिन शी इज ट्राइंग टू स्टैंड हर ग्राउंड. आई लव्ड इट जब उसने उसको एड्रेस गलत दिया. मुझे उसका डिफाइंट नेचर जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज शी इज डिफाइंट, लेकिन शी नोज कि वो इस हद तक जा सकती है, इससे आगे अभी नहीं जा सकती, तो वो रुक जाती है. शी डजंट लाइक हिम, शी इज नॉट, शी इज ट्राइंग टू स्पीक. और दादी भी उतनी ज्यादा टॉक्सिक है, बल्कि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है. एंड देन अगेन वो अपनी अम्मा के साथ भी जाके कह रही है कि आप पैसे नहीं देंगी. शी नोज दीज पीपल इन साइड आउट, एंड शी नोज कि वो पैसे मांगे. एंड फाइनली उसकी बस हो गई व्हेन शी सेड कि मैं नहीं करूंगी शादी अगर आप पैसे देंगे. अच्छा, तुम्हारा ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम ये ड्रामा क्यों देख रहे हैं. सबसे पहले तो ये कि हमें ये रिव्यू करना है. कुछ ऐसे तक हम देखेंगे, अगर नहीं हमारी बर्दाश्त होगा तो फिर हम इसको छोड़ देंगे. मुझे ये ड्रामा इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऑल दो ऑन वन साइड देर इज नथिंग न्यू इन इट एंड इट्स वेरी टॉक्सिक, सॉरी टू से. लेकिन ये जो समी खान का कैरेक्टर है ना, ये साइको थ्रिलर का जो नया ये जॉनरा मैंने डिस्कवर किया है, मुझे लगता है कि हमें ये थोड़ी सी, शायद हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं और उनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं. कोई बहुत एक्सट्रीम पे होगा जो बहुत अजियत दे रहा होगा, कुछ कम लेवल पे अजियत दे रहा होगा, एंड दे आर नॉट दोज पीपल हु आर जस्ट बिटर और हु जस्ट वांट टू टेक रिवेंज. दे हैव एन इश्यू एक्चुअली, यू नो, वो है इस तरह के. तो ये बिहेवियर हमने ड्रामों में कम देखा है. जिस तरीके से वो उसको लेके जाता है आइसक्रीम खिलाने के बहाने और उसको कहता है कि मारो अपने आप को, और फिर तो ये एक एक इंटरेस्टिंग था कि हाउ डू यू रिएक्ट टू इट, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट. अगर वो अपने घर जाके किसी को बताए भी ना, तो कौन उसकी बात का यकीन करेगा? नोबडी विल बिलीव हर. के यू नो, कोई तुम्हें भी आके बोले तो यू विल बी लाइक नो, नोबडी कैन डू दैट, यू नो, क्योंकि हम लोग
सोचते नहीं कि कोई ऐसा भी कर सकता है, कोई इतना साइको भी हो सकता है, बट वो ये दिखा रही है। अब मुझे ये देखना है कि वो आगे जाके क्या क्या चीजें करेगा इसके साथ, क्या इसको वो और एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। और दूसरी जाजिया, देखो तुम कह रही हो टॉक्सिसिटी और उसके बाद, बट एक और जो चीज तुम देखो, एंड इट्स सैड एंड इट्स इरिटेट, इट्स नॉट इरिटेटिंग, लेकिन हम थक गए ये चीजें देख के, बट एक एजुकेटेड लड़की भी कैसे कॉर्नर हो जाती है। शी इज एजुकेटेड, शी नोज, बट उसके हालात और उसकी मतलब वो इस सिचुएशन में है कि वो आवाज नहीं उठा सकती, वो कुछ कर नहीं सकती है ज्यादा, वो कोशिश कर रही है। तो फॉर सम रीजन मैं नॉर्मली बहुत जल्दी उकसा जाती हूँ, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि उसका निकाह हुआ है। उन्होंने कहानी भी ऐसी लिखी है ना, मंगनी भी नहीं हुई, निकाह हुआ है। सो इट इज, एंड बहन का दूसरी हुआ है, तो वो एक्चुअली काफी कॉर्नर्ड है इस सिलसिले में, एंड शी इज नॉट वन। मैंने एक दफा भी, एंड आई वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट टू मदीहा इमाम फॉर दैट, वो रोई नहीं है, शी हैज नॉट क्राइड। उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन है एंड एक स्ट्रेंथ है उस लड़की में। शी इज ट्राइंग टू फाइंड अ वे कि नहीं, काम भी करेगी। वो इधर उधर से निकल जाती है, वो कह रही होती है फोन करो तुम चलो साथ हमारे, वो नहीं गई, शी डिडंट गो। बट फॉर हाउ लॉन्ग कैन शी डू दिस? बट जब वो था उसके साथ, वो चुपचाप बात सुन रही थी, बिकॉज शी न्यू कि ये पागल है, इसके साथ अभी आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। दैट पॉइंट जब वो उससे कहता है आइसक्रीम पूरी खत्म करो, तो मैंने दिलाई है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, आई लव यू, यू हैव टू रिप्लाई टू मी, यू हैव टू से आई लव यू। ऑन द अदर हैंड, दे हैव शोन अ नॉर्मल रिलेशनशिप, इनफैक्ट अ गुड, अ पॉजिटिव रिलेशनशिप उसकी बहन के साथ। तो आप ये भी दिखा रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है कि बेटा, वो वाला बेटा जो है अरसलान, वो अम्मा की तरफ गया है, और ये वाला है जो अब्बा की तरफ गया है, एंड सो ही हैज रीजंस व्हाई ही इज सो टॉक्सिक। तो इसलिए आई थिंक मुझे अच्छा लग रहा है, एंड व्हाट यू सेड राइट नाउ कि मे बी इट विल शो गर्ल्स हाउ दे कैन, होपफुली आई एम होपिंग द एंड शोज दैट हाउ दे कैन बैटल देयर वे आउट ऑफ द सिचुएशंस। और तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है कि वो रोई नहीं है और वो काम कर रही है, तो ये भी एक नया मैं ट्रेंड ड्रामों में देख रही हूँ कि वो दिखा रहे हैं कि जब आप मुश्किल में फंस जाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप हर बार अपने हालात से भाग सकें या मुश्किल से निकल सकें, बट यू मस्ट गो ऑन। एंड आई थिंक एक तो बेबी बाजी में उन्होंने ये दिखाया और अब इसमें भी ये दिखा रहे हैं, और उससे पहले कुछ अनकही में भी ये था कि जैसे सामिया के कैरेक्टर का था, और इसमें भी कि आप एक सिचुएशन में हैं जो आपके लिए आइडियल नहीं है, बट यू गो ऑन, यू कीप मेक श्योर दैट यू आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट डे बाई डे, यू आर नॉट, आप और ही उस तरह नहीं गिर के टूटते जा रहे, टूटते जा रहे। तो ड्रामे का मुझे ये एस्पेक्ट भी अच्छा लग रहा है, बट It is आगे so क्या होता interesting you है। mentioned that, because COVID में when we spoke to this therapist and people who were undergoing abuse, और वो अपने घर में restricted थे, उनको कोई, because abuser के साथ उनको ज्यादा time, they couldn't find a way out. तो the therapist explained to us के you have to have coping mechanisms yourself within that space. आप हर दफा बाहर नहीं, the obviously the ideal situation is that you leave. एंड बात भी करें तो इट टेक्स आई थिंक ओवर 17 ट्रायल्स फॉर समबडी टू लीव दैट सिचुएशन। इसका भी निकाह हुआ है, तो इसने तो एक दफा भी अभी ट्राई इस तरह नहीं कर सक रही है, दबाव बहुत ज्यादा है। तो दोज कोपिंग मैकेनिज्म शी इज फाइंडिंग लाइक दिस, के वो और चीजें कर रही है। अब हम लोग इससे बात नहीं करते हैं, और बहुत ज्यादा हम इस चीज को, हमारे हमेशा कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है मैरिटल रेप पे, बट ये चीज आगे जाके, अब आई एम थिंकिंग उसका निकाह हुआ है जब तो उसकी रुखसती हो जाएगी, ये बंदा इसको अभी फिजिकली ऐसे टॉर्चर कर रहा है, तो ये बाद में जाके तो पता नहीं क्या करेगा। एवरी टाइम ही वॉन्ट्स टू पनिश हर, वॉट विल ही डू विद हर, एंड विल शी बी एबल टू टॉक अबाउट इट? सो एक्चुअली तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है जो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कभी कभी हस्बैंड्स फिजिकली हार्म कैसे करते हैं अपनी वाइफ्स को, एंड दे कैन नॉट टॉक, बट दे आर साइंस विद विच यू कैन पिक अप के यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। तो ड्रामे में अगर चाहे तो पोटेंशियल बहुत है, बहुत से रिलेवेंट इश्यूज के बारे में बात हो सकती है, बट आई डोंट नो विच डायरेक्शन इट्स गोना टेक, सो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, लेट्स सी क्या होता है। बट अगेन कि ये बहुत सारी औरतें, दे आर गोइंग थ्रू इट, एंड दे माइट बी रिच, दे माइट बी वेल्थी, दे माइट बी एजुकेटेड, बट दे गो थ्रू इट। सो आई थिंक दैट्स आल्सो अ रिलेटेबल फैक्टर। बट आई एम रियली स्केयर्ड दैट इट्स नॉट गो, इट्स गोना गो डाउन हिल, एंड आई एम होपिंग इट डजंट। तो चलें, ओके, ठीक नेक्स्ट वन। है, यूं ही। यू ही, हाँ ओके जी, यूं ही तो अब क्या करें, वो तो मुकर जाएंगे, एक बाल नहीं रहेंगी, एक बाल बन जाएंगे तुलसी के लिए। वो कहेंगे नहीं, वो तो मेरा दोस्त था। सो शी इज ट्राइंग रियली हार्ड, बेचारी किम। आई लाइक द कॉन्वर्सेशन राबिया, जब वो बात करती है ना उससे, दाऊद से, शुरू में वो कहता है मैं नहीं बात कर सकता,
लेकिन टूवर्ड्स द एंड वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो कहता है अच्छा मैं बात करूंगा, मैं बात हूँ. विद इन दैट कॉन्वर्सेशन ही फ्लिप्स हिज माइंड एंड ही केयर्स फॉर हर, यू कैन सी दैट. मुझे जो उन दोनों की बेंच पे कॉन्वर्सेशन होती है किम दाऊद की, इतनी अच्छी लगती है उसकी, अपनी एक फील, अपनी एक वाइब है. एंड एवरी टाइम वो दोनों वहां बैठे होते हैं, दे ऑलवेज आई फील कम नियर टू ईच अदर, और दे आर कम्फर्टिंग ईच अदर, और दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी सेंसिटिव एंड समथिंग विच बॉन्ड्स देम टुगेदर. सो कल वाली एपिसोड में भी ऐसे ही कॉन्वर्सेशन थी कि वो बात करता है, वो परेशान होती है, फिर उसको उसकी परेशानी देख के उसको कम्फर्ट करता है. दो चीजें मेरे जहन में आ रही थी, एक तो मुझे लगा कि किम परेशान हुई है नोइंग के ओ इकबाल को वो नहीं मिलेगा जो जो उसको चाहिए, अगेन द सेम स्टोरी विल बी रिपीटेड. दूसरी तरफ मुझे लगा थोड़ी सी इनसिक्योर भी हुई कि ओ मेरे बाप की शादी हो रही है, विच वाज सरप्राइजिंग कमिंग फ्रॉम अ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड हैविंग ऑल दीज काइंड ऑफ यू नो आइडियाज. तो मुझे थोड़ा सा लगा कि इनसिक्योरिटी उसकी क्यों है, अगर वो सिर्फ इकबाल पर फोकस कर रही होती तो मुझे समझ आ रही होती. तुम्हें अरे ये लगा तो खानदान में हो रही है, बिकॉज दाऊद वाज आल्सो शॉक कि वो मेरे ससुर होंगे और वो कर रहे हैं इकबाल पप्पू से शादी. आई थिंक इट्स टू क्लोज फॉर कंफर्ट वाला ओके रिलेशनशिप हो जाएगा. एंड मे एंड आल्सो कि शी फील्स कि उसके जो अब्बा हैं नवीद कभी अपनी बीवी को भूल नहीं, उसकी अम्मा को भूल नहीं सके हैं. एंड ही ऑलरेडी मैरिड टू हर इन हिज माइंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. सो आई मे बी शी इज फीलिंग फॉर हर फादर ऑल्सो कि वो क्यों करेंगे ऐसा. और तीसरी चीज जो मैंने नहीं देखी, एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि मैं शादी करवा दूंगा दाऊद की, लेकिन तुम इकबाल से शादी करो. आई फेल्ट दैट मे बी शी विल थिंक कि ये तो एक एक्सचेंज हुआ है, लेकिन वो उन्होंने नहीं नहीं, देखा फैक्ट और में. अच्छा किया, बिकॉज देन मुझे लगता है उसे हाँ दोनों की रिलेशनशिप और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती. इवन दाऊद वुड नॉट हैव बीन हैप्पियर टू नो हैप्पी टू नो कि ऐसा हुआ था. तो मुझे अच्छा लगा कि ये बात इन्होंने साइड से निकाल दी. अब जो कुछ भी उस वक्त हुआ, ये बात अभी लाने की जरूरत नहीं है. तो एक तो मुझे ये सही लगा. अच्छा आई थिंक तीसरी चीज ये भी हो सकती है कि शायद वो डर रही हो कि फिर अब्बा मना कर देंगे तो फिर वही कहानी चलेगी, अब्बा फिर ना भिदक जाए और फिर इकबाल पप्पो फिर रोना शुरू करेंगी, उनका इल्जाम फिर मेरे अब्बा के आ जाएगा. तो ये काफी चीजें चल रही है, तुम सही कह रही हो. बट किम और दाऊद की रिलेशनशिप इतनी क्यूट है, इतनी अच्छी है कि दे बोथ आर इंटरेस्टेड इन ईच अदर, बट ओपनली दे आर नॉट एडमिटिंग. दाऊद तो फिर भी कह रहा है, बट नॉट इन नॉट सो एनर्जेटिकली लाइक ही शुड, बट दे बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स द सेम थिंग. कि उसको फिक्र है कि ये मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहा, वो कुछ 4 दफा पूछ चुकी है ड्रामे में कि सब तुम लोग तो घर में कह चुके हैं कि काफी अच्छी लड़की लग रही है, हो. तुम हाँ नहीं कह रहे कि हम अच्छी नहीं लग कह रहे रही वो, और है. वो दर्द की बात किए जा रहा है उसको कि तुम्हें दर्द हो रहा है, हाउ कैन आई से समथिंग इज नाइस इफ इट्स हर्टिंग यू. एंड ही इज लाइक टोटली इनटू यू नो लाइक वो जो एंड सो नाइस. अगर आप वाकई किसी के बारे में ख्याल कर रहे होते तो आप कहते क्या बकवास है, तुम्हें दर्द हो रही है, तुम्हें ये हो रहा है, आप नहीं देखेंगे वो चीज कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट लग रही है, यू आर ओनली फोकस्ड कि इट्स हर्टिंग योर लव्ड वन, यू नो. तो वो जो ये जो यू ही ने उठाया हुआ है ना बेसिक ह्यूमन इमोशंस को, वो बहुत खूबसूरत है. एंड राबी हम कहते हैं ना दैट व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग समवन यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन फॉर दैट पर्सन. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन दाऊद. एंड आई थिंक वी आर इन केम आल्सो बट इन अ मोर सेटल मैनर. लेकिन वो जो उसके पास दानियाल के पास जाके उसको लेक्चर देता है ना, वो कहता है कि वो ये सब तो हमारे बारे में समझती ही है. एक तो उसको अपने मजहब का है कि वो मजहब की लाज रखना चाह रहे हैं, उसको दिखाना चाह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं है. और दूसरा ही वॉन्ट्स टू शो हर दैट आई एम नॉट दैट मैन एंड पीपल हु कम फ्रॉम माई फैमिली आर ऑल्सो नॉट लाइक दैट. सी वी आर नॉट वॉट यू थिंक वी आर. उसकी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी, बट आई फील दैट दे आर नॉट रियली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ऑल द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग विद दानिया. वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे उसके साथ डील कर रहे हैं. आई डिडंट इवन वॉन्ट टू से सॉरी टू हिम फ्रेंकली. नो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हारी बात की पहले वाले से मैं एग्री करती हूँ, सेकंड वाले से मैं एग्री नहीं हाँ करती. वो सॉरी भी तुम्हारी मुझे गुस्सा आ रहा था दानियाल पे इसलिए, बहुत बदतमीजी से. ये बात बिल्कुल सही है कि वो एक्चुअली हाँ दानियाल को बिल्कुल ये जो तुम बात कर रही हो ये उसी को काउंटर करने का एक स्टेप था जो दाऊद ने लिया, क्योंकि थोड़ा सा 10% तो दानियाल में फर्क आया वो बातें सुन के दाऊद की. यू नो कहीं ना कहीं वो बैठी होगी कि वो लोग सब दानियाल के ना जो अंदर के इश्यूज हैं, जो रियल इश्यूज हैं, या जो उसकी इनसिक्योरिटी है और हिम फीलिंग कंप्लीटली क्लूलेस एंड यू नो लॉस्ट एंड यू नो समबडी हु जो हार गया जिंदगी में, वो उसकी ये फीलिंग्स अंडरस्टैंड करने के बजाय ना वो देख रहे हैं कि ये जिद कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, बेजा जिद कर रहा है, ये हमारी बात नहीं समझ रहा. बहुत ये ना एक और टिपिकल सेल्फिश अपनी बहन के लिए सेल्फिश हो रहा था.
ये ठीक है, सही ठीक है, बट वो एक हाँ ऐसी एज पे जहां पे मुझे लगता है अगर भी माँ बाप दाऊद और ये सब लोग इसके इर्द गिर्द आए तो दे कैन सेव हिम, दे कैन पुट हिम ऑन द राइट ट्रैक, अदरवाइज ये तो बिल्कुल गलत चला जाएगा, क्योंकि दानियाल में जितनी अकड़ है और जितना वो समझता है ना कि वो गॉड्स गिफ्ट टू द वर्ल्ड एंड वुमेन है, वो बहुत बहुत गलत होगा। जैसे उसने हुस्ना से भी बोला, मतलब इतनी उसकी बड़ी गलती है दानियाल की, वो कसूर पे है, कहते मैं तुमसे नरमी और मोहब्बत से बात कर रहा हूँ और तुम लाइक लुक एट हिज ऑडेसिटी टू से दिस। उसको ऐसा लग रहा है कि वो पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर रहा है हुस्ना के ऊपर, हालांकि इट शुड बी इट इज हुस्ना जो उससे बात भी कर रही है, यू नो। तभी तो तो मैं मुझे कह ये, रही हूँ। हाँ हाँ, और मतलब उसकी अकड़ नहीं खत्म हो रही, बट स्टिल उसने दाऊद की बात आराम से सुनी और दाऊद ने उसको समझाया, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कतरा कतरा गिरता है ना बूंद, तो फिर कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस आ जाती है, आई एम मुझे होपिंग। दाऊद की वो बात बड़ी अच्छी लगी थी, ही सेड कि उसकी ना को रिस्पेक्ट करो हाँ, एंड दैट वाज दैट वेरी गुड। जो दो दो जुमले बड़े, दो सेंटेंसेस बड़े इंटरेस्टिंग थे। तो हुस्ना ने जो बोला कि लड़की का इनकार, लड़की के इनकार को कबूल करना सीखो, एंड फिर दाऊद ने भी यही बात रिपीट की कि उसके इनकार की रिस्पेक्ट करो। सो आई एम रियली लाइकिंग, देखो कितने सटल तरीके से उन्होंने ये बात समझाई है दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट नो व्हेन अ गर्ल सेज इट, बिकॉज इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रीची। और ये भी बताया कि हमारा मजहब हमें एक्चुअली सिखाता है कि हम किस तरह बेहतरीन इंसान बने और ये सब ना करें जो हम करने। अच्छा, मैंने एक्चुअली ये नोटिस नहीं किया था, ही सेड कि यू आर गोइंग टू स्ट्राइक हर, विच इज वाई मैंने ये नोटिस नहीं किया था दैट उसने उसको इसलिए मारा क्योंकि उसको लग रहा था कि ये किम को मारेगा। मैंने भी नहीं नोट किया था, यू आर हाँ, राइट। मैंने भी नोटिस किया बिकॉज उसके एकदम से जो उसका गुस्सा, फिर मुझे समझ आया कि अच्छा उसको इतना गुस्सा क्यों आया था। सो कुछ इस तरह होने वाला था, विच इज वॉट ही ट्राई टू अवॉइड। अच्छा, दो तीन चीजें थी, दूसरा पे इनहेरिटेंस वाला भी जो लेकर आए वो बड़े अच्छे तरीके से हाँ, इतना यस, नॉर्मलाइज करके लाए कि यू लाइक हाँ इट्स इट मे, क्योंकि मुझे यही था जब वो कह भी रहा था, क्योंकि बशारत ने भी शुरू में अपने बाबा से बाप से बोला था कि भाई इसमें बहन का भी हिस्सा है, तो बाप ने उसको उस वक्त इधर उधर कर दिया था, लेकिन इस बार दाऊद हाँ ने बोला तो दादा ने बोला कि ओके मौलवी साहब आपकी बात हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। हाँ द वे दे प्रेजेंटेड द होल थिंग आई थॉट वाज अ वेरी गुड वे ऑफ रिमाइंडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट द राइट्स ऑफ सिबलिंग्स इन इनहेरिटेंस। और दादा की थोड़ी थोड़ी जर्नी हमें नजर आ रही है, जो हमें दानियाल की भी नजर आई क्योंकि उन्होंने कहा कि किम सही कह रही थी कि मुझे इकबाल के बारे में सोचना चाहिए एक्चुअली, लेकिन वो इकबाल को उन्हें लपेट दिया नवीद के साथ। और देन अगेन द ओल्ड दादा केम बैक बिकॉज ही सेड नहीं, वो मैं इकबाल को समझा दूंगा। वो कह रहा है बार बार कि पूछ तो ले आप इकबाल से, उससे कहा नहीं वो ठीक है वो हो जाएगा। तो आई यस बताओ किम की जर्नी देख रही हो तुम या नहीं? डू यू फील किम हैज हैड अ जर्नी और नॉट? बिकॉज़ एवरीवन एल्स आई हैड अ जर्नी इन दिस ड्रामा, किसी की जर्नी हो रही है। इवन रजिया की देखो कि उसने अपनी यू नो नो स्पिन डायमंड की वो दे दी, बट डू यू थिंक किम की जर्नी हुई है या नहीं? किम की इतनी नहीं हुई है, किम अभी तक ज्यादा शी इज बीइंग द वॉइस ऑफ रीजन, वो ज्यादा सबको समझा रही है। किम हरसेल्फ डज नॉट फील शी नीड्स टू चेंज येट, ओनली उसने, हाँ वो ये जरूर कहती है कि वो अपोलोजाइज फौरन कर देती है जब वो कोई गलत चीज समझती है, जैसे उसने दानियाल के थप्पड़ पे भी शी फेल बैड एंड शी सेड शायद मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, तो वो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर रही होती है। बट किम इज नॉट, एंड आई थिंक इन अ वे आई फाइंड इट रियलिस्टिक राइट नाउ बिकॉज इट विल टेक हर टाइम, लेकिन अब वो एक कोई एक मोमेंट आना चाहिए विच शुड मेक हर मोर अवेयर। So, for Kim's character, I feel there has been a journey in the sense, very slight, कि अब वो जब कोई चीजें बोलती है तो वो आउट ऑफ केयर एंड आउट ऑफ लव एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोल रही होती है, शी इज नॉट बीइंग जजमेंटल या वो कमेंट भी कोई दे रही है। पहले जब वो ड्रामे में बोलती थी ये चीजें तो आई यूज टू आई आई गॉट द फीलिंग कि वो जजमेंटल होके बोल, ओ तुम लोग तो ऐसे हो तो तुम लोग ऐसे ही करोगे, दादा जान तो ये है तो वो ऐसे ही करेंगे। अब अगर वो कुछ बोलती है तो वो कहती है कि देखो ये इश्यू है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यू नो शी इज स्टिल पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स, शी इज स्टिल टेलिंग हिम कि तुम लोग क्या गलत कर रहे हो, बट वो जजमेंटल नहीं हो रही, मुझे ये जर्नी लगता है। बट एट द सेम टाइम आई एम क्वेश्चनिंग कि आप किम के कैरेक्टर के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं। एक तरफ आई अंडरस्टैंड यू आर टेलिंग अस कि लड़की अगर कोई कपड़े पहन रही है तो उससे उसको जज मत कीजिए, उसका कैरेक्टर उसका बिहेवियर इज नॉट कनेक्टेड विद हाउ शी इज ड्रेसिंग अप, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम एक्सेप्टेबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट दूसरी तरफ मुझे लगता है कि हमें कल्चर को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, हमारी नॉर्म्स, जिस तरह वो कह रही है, किम कहती है सर्टेन चीजों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसी तरह किम शुड रियलाइज एंड द पीपल हु रोट इट शुड ऑल्सो रियलाइज या मे बी दे शो दिस चेंज कि जो हमारी नॉर्म्स है, जैसे रजिया को रजिया नहीं किसी और नाम से पुकारना, एंड इसमें
वो उधर का सिस्टम है, अभी शायद वो हो। होगा, वो कब होगा? हाँ द परफेक्ट टाइम जब उसको वो देती है, और जिस तरीके से किम ने उसको 2 दफा हक किया, आई वॉज डिसअपॉइंटेड जब उसने उसके बावजूद उसको रजिया को नहीं चेंज किया, उसने दूसरी बार भी हंस के पता नहीं क्या बोला और रजिया ही बोला और उसको गले से लगा लिया। तो मे बी इस जुमले के बाद वो मुड़ती और जाते हुए मुड़ के कहती, बट आपने अच्छा किया अम्मा अम्मी आपा वट एवर, आई डोंट नो, बिकॉज आई फील के ये चीज मुझे यहाँ पे, किम शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट द कस्टम्स एंड दिस, विच आर नॉट सफोकेटिंग, विच आर ब्यूटिफुल, विच आर रिस्पेक्टफुल, दोज कस्टम्स आर नॉट हिंडरिंग एनीवन। तो मुझे ये चीज मैं देखना चाहती हूँ। आई थिंक किम ये बात बोलेगी, इट विल टेक हर टाइम एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन आई एम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग किम। कभी कभी हमें जो बातें बिल्कुल छोटी लगती हैं वो किसी और को छोटी नहीं लगती, लेकिन किम बहुत सारी और बातों में चेंज कर रही है। अच्छा देखो, उसने बहुत कोशिश करी कि दाऊद आए जुल्फी से मिलने, दाऊद नहीं आया, और अब वो ये भी क्वेश्चन कर रही है कि क्यों तुम लोगों को जुल्फी इतना बुरा लगता है, व्हाट इज रॉन्ग विथ हिम। सो अगेन शी इज द वन हु इज चेंजिंग द माइंडसेट्स मोर देन दे आर। बट यहाँ या आई थिंक इट इज ओनली द रजिया थिंग, मुझे इतना नहीं, एंड यू सो राइट कि अब वो इतना जज नहीं कर रही है, वो सोच लाइक दानियाल को भी, शी कुड हैव बीन रियली मैड एट हिम बट शी वाजंट। सो आई अंडरस्टैंड कि हमारे माशरे में बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सी चीजें हैं जिससे हमें निकलना चाहिए, बहुत से कॉबवेब्स हैं माइंड में, लेकिन यार सब चीजें गलत नहीं है। सो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत है, एंड किम इज द राइट पर्सन, एंड किम इज करेक्टिंग ऑल ऑफ अस। आई डोंट वांट टू सी दिस, आई वांट टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पॉइंट दैट अभी बशारत को किसने हेल्प किया? बाप ने दिया है ना ये चीज, ये स्ट्रेंथ है। इसको आप नॉर्मली, इसको आप जिस तरह आप एक बुराई को बढ़ा के दिखा रहे हैं, आप एक अच्छाई को भी बढ़ा के दिखाएं। अगर फैमिली फैमिली के लिए सपोर्ट नहीं करे और खड़ी नहीं हो तो कैसे आप सर्वाइव करेंगे? तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जहाँ किम के थ्रू इन लोगों का जर्नी हो रहा है, उसी तरीके से किम का भी कुछ जर्नी होना चाहिए था, वरना आप किम को इतना परफेक्ट दिखाते शुरू से। किम परफेक्ट नहीं है, एंड आई फील अगर किम का कैरेक्टर ले तो एक बेसिक उसकी चीज होनी चाहिए, विच इज रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर, विच शी एक्सपेक्ट अदर्स टू डू, शी शुड ऑल्सो डू दैट इंस्टेड ऑफ राबिया की, राबिया की माशरती गैरत जाग चुकी है अभी, और सही माशरती जाग, गैरत का है। मैं भाई मुझे सही कह अजीब, रही हो, यू आर राइट, यू आर राइट। हम सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि ये गलत है ये गलत है ये गलत है, हम हाँ। बहुत ही अच्छी चीजें भी तो करते लेकिन हैं। देखो कि हमने कहा था पहले, जब वो दादा ने डिसीशन लिया था और उसकी सुरैया की शादी रुकवाई थी, तो किम ने कहा था कि मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ तुम्हारे दादा से, क्योंकि Not उन्होंने enough. रोड, I want to see practical changes in. हाँ they have No, to I be, want they to see will come, practical. Yeah. I So, think they will come। ये चीज, एक पॉइंट और मैं कुछ कहना चाह रही थी जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट आप बोलें, गो ऑन। आई लाइक द वे किम ने जाके ना पता लगाने की कोशिश करी इकबाल से कि अच्छा मैं गई थी जुल्फी के साथ, जुल्फी के उन्होंने एक बहन बनाया हुआ है उनको, तो वो थोड़ी थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन दे रही है, देन शी इज वॉचिंग हर रिएक्शन टू सी के क्या होता है, लेकिन वो भी बेचारी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये बातें मुझे इंटरेस्टिंग भी लगी, दे एडेड समथिंग टू द ड्रामा। ओके बट इफ यू रिमेम्बर वी कैन एड इट Yeah, लेटर। we can move on to the next drama. सो वी हैव मोहम्मद, गुमशुदा मेरी, एंड आई कांट रिमेम्बर द We अदर्स। have idiot and we have 22 कदम. ओके इडियट करी, Yeah, idiot कर लेते हैं. Yeah. मुझे मजे का लग रहा है. So, इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं था, लेकिन मजे का था क्योंकि जो मंशा पाशा का रामीन का कैरेक्टर ऐड हुआ है वो भी उसी की तरह है, you know? उसको बिल्कुल ही घुमा हुआ दिखाया या एक डिफरेंट टाइप का बंदा दिखाया, आई विल नॉट से घुमा हुआ, बट ऑफ अ पर्सन हु इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड हिम, शी इज ऑल्सो डिफरेंट, यू नो, शी इज ऑल्सो नॉट लाइक एनीबडी, एक लड़की, उसकी दोस्त भी, like everyone around her, she is also, या वो भी, she's actually one of those people who doesn't know why she's doing what, या and उसने थोड़ा एक्जेक्टली सा इसको, इसने थोड़ा सा ना, वो जाके कहते हैं ना कि वो एक थोड़ा सा पोक किया है उसको कि सोचो तुम क्या कर रही हो, तो वो आई लाइक द वे दे इंट्रोड्यूस द टू ऑफ देम टुगेदर, कि वो वहां खड़ा हुआ था झील के किनारे और वो कहती है नहीं ये तो नहीं कर रहा था सुसाइड, वो वापस जाती है देखने के लिए। सो मुझे वो बड़े मजे का लगा, एंड देन अगेन जब वो गाड़ी खराब हुई थी और वो नंबर मांग रहा था, एंड उसने कहा डिलीट कर, उसने कहा लाइक मेरा भी डिलीट करें आप साथ साथ, सो यू नो दे हैव अ वेरी इक्वल रिलेशनशिप एंड इट वाज वेरी फनी टू वॉच देम टुगेदर। आई ऑल्सो लाइक जब पहली एपिसोड खत्म हुई थी और वो बाप और बेटा आते हैं और हम कह रहे हैं यार कौन है क्या है यार, तो इसका तो कोई लव इंटरेस्ट नहीं लग रहा,
तो द वे दे नरेटेड द स्टोरी, अच्छा अब उससे मुलाकात भी होगी रामीन से, खुदकुशी वाले सीन पे एंड एवरीथिंग, एंड आई एम थिंकिंग नंबर का चेंज हुआ है, यू नो यू लाइक डेस्परेटली ट्राइंग टू फिगर आउट कि अच्छा ये तो चले गए दोनों अलहदा हो गए, अब यू नो जब वो वापस जाती है माँ को लेके, तो मैंने कहा शायद इसका फोन गिरा था, वो कॉल कर रहा होगा माँ, पता नहीं कुछ भी, बट वो नहीं, उन्होंने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया कि वो किस तरीके से फोन का नंबर, फोन उसके नंबर उसके फोन पे आता है, कॉल उसने क्यों की होती है, मतलब एक सिंपल सी चीज दिखाने के Yes, लिए इतना I लंबा mean, रूट लिया, बट वी लव द रूट, इट वाज सच अ इंटरेस्टिंग वे ऑफ टेलिंग द yes, स्टोरी, सो यू नो हाँ, इट वाज लॉट्स ऑफ फन टू वॉच इट। ये भाभी का क्या चक्कर है, ये जो बड़ी भाभी है, व्हाट ओके, हर तो इशू, व्हाई शी इज सो मच एक अगेंस्ट गुलजार। बस वो एक टॉक्सिक कैरेक्टर डाल देते हैं ना हमारे ड्रामों में, उन्होंने डाल दिया है. बट आई डिड वांट टू से दैट डिस्पाइट कि हमें बहुत मजे की स्टोरी टेलिंग इज ग्रेट, आपने वो ना सब टाई अप भी कर दिए, आप फ्लैशबैक्स में भी जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है, वी अंडरस्टैंड इवन विद द रामी थिंग, वी न्यू कि अच्छा अब ये हुआ, दे स्टॉप हियर, देन व्हेन दे स्टार्टेड तो पीछे की कहानी बताई फिर आगे गए. बट सम ऑफ द सपोर्टिंग कास्ट, उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफी वांटिंग है फॉर मी, स्पेशली क्योंकि मंशा पाशा एंड अहमद अली अकबर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है. अतिका उडो वॉज ग्रेट, बाकी सबका जो है इट इज वॉन्टिंग, वेदर इट इज द भाभी, वेदर इट इज द स्कूल प्रिंसिपल, और वेदर इट इज इवन उनकी जो नीस है, तो वहां आप थोड़ा सा यू नीड टू पुल इट अप बिकॉज इट्स कॉम्प्रोमाइजिंग द प्रोजेक्ट फॉर मी. टू लेट शाजिया, अब तो जो होना था वो हो गया, ड्रामा शूट अप हो कुछ चुका है ना, एकदम या मुझे, हो गया, या एडिटिंग आ आई चुका, कुछ भी सी, होने वाला, बट देखो या इंटरेस्टिंग चीज ये, उन्होंने फिर पूरा बताया कि वो ऐसा है क्योंकि वो बचपन में उसका सीन दिखाया है कि स्कूल से कॉल आती है, उसकी दादी को बताते हैं कि उसका IQ बहुत हाई लेवल पे है, एंड दे शो कि किस तरीके से यू हैव टू हैंडल हिम प्रॉपरली, एंड नाउ वी नो दैट उसके साथ कोई इश्यू नहीं है, ही इज जस्ट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप एक बैकग्राउंड दे रहे हैं, आप एक समझा रहे हैं लोगों को कि अगर आपके आसपास कोई थोड़ा सा बंदा आप लोगों से डिफरेंट है तो उसकी एक रीजन है, उसको समझे और उसको वैसे डील करें, डोंट कास्ट हिम आउट, एक चीज ये। सेकेंड चीज ये कि थ्रू आउट द ड्रामा ना आपको बड़े मजे के पॉइंट्स मिलते हैं, यू आर लिसनिंग, जैसे स्कूल की पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, उसने जो बोला कि स्विमिंग पूल है इसको तो स्विमिंग नहीं आती, ये है इसको तो ये नहीं होता, तो इट्स कॉलिंग आउट टू ऑल पीपल आउटसाइड आउट यू नो, और बता भी रहा है कि भाई क्या क्या आप सोचते हैं और क्या क्या होता है, ट्यूशन एंड यू नो ऑल दिस। और ये भी कहा ना उसने कि ये तो जाके अपनी बहन के जहेज में क्या क्या दे रहा है, और खुद तो उसने बीवी बया के ले आया था, उसने तो नहीं मांगा कुछ. सो दे आर ऑल्सो रिमाइंडिंग यू बिकॉज ये ऑब्वियसली ही इज थ्रोइंग आउट ऑल द ट्रूथ्स टू अस. वो जो अनकही बातें होती है ना, जो हम कहते नहीं है, हम कहते हैं भाई ये तो होना ही है, ये तो है हमारे यहाँ रिवायत, तो वो उन सबको क्वेश्चन कर रहा है. दैट होल सीन अगेन, अब मैं फिर यू विल से अब तो हो गया एडिट, वो जो फर्नीचर शॉप वाला सीन था, उफ़ performances were so wanting, that could have been a very interesting scene and it could have been so relatable, लेकिन आपने उसको दबा दिया. तो इडियट इंटरेस्टिंग है, मजा आता है देख के, बट यू आर राइट के कुछ सीन्स, अच्छा मैं अब चाहती हूँ आगे मूव कर जाए, मुझे अब पास्ट की चीजें ज्यादा नहीं देखनी। एक और चीज जो आई वांट टू अप्रिशिएट इज अगेन स्टोरी टेलिंग, कि जब वो स्कूल में बैठा होता है ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिमसेल्फ, फिर वो अपनी भतीजी की तरफ देखता है, वो उसको ऐसे मना करती है, अच्छा अब उन्होंने दिखाया कि उसके बचपन का जो सेल्फ है स्मॉल सेल्फ वो वापस आके इधर आती है, हाँ, मुझे that लगता was है उसको काम interesting. डाउन कर रहा है कि नहीं करो नहीं करो, लेकिन फिर वो जाके दीवार के सामने उसके खड़ा होकर हाँ, चाबी उसको दे रहा है. शक्ल हाँ, से चाबी दे रहा होता है, सो इट्स सच एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी, मजा आ रहा है देख के। हाँ that was actually very interesting. I'm glad you remember that because that means he's aware कि उसको नहीं करना चाहिए. उसने रोकने की कोशिश करी अपने आप को, लेकिन वो निकल गया फिर. नहीं करना चाहिए, इन द सेंस ही नोज की चीजें खराब होंगी बिकॉज मैं इनको सच दिखाऊंगा, हाँ, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल. उसके पास कोई वो है नहीं। आई ठीक जस्ट वॉन्टेड टू मैंशन, मैं यूट्यूब पे कॉमेंट्स देख रही थी, मैंने राबिया को भी कहा था, सम पीपल थॉट दैट अहमद अली अकबर कैरेक्टर इज गुलजार इज ऑटिस्टिक, बट द डायरेक्टर हैज टोल्ड अस दैट ही इज नॉट. एंड आगे जाके जैसे हमें पता भी चल रहा है, उन्होंने इस दफा भी फ्लैश बैक में दिखा दिया है कि क्या हुआ था, और वो सिबलिंग राइवलरी भी है, XYZ चीजें, तो इट्स नॉट दैट. तो हम इस कहानी को इसी तरह लेके चले आगे. ठीक है, वी ओके, कैन डू मोहब्बत oh, उन and now we have two dramas left, and Rabia and I are we going to argue about which is going to be the last one? नहीं, हमारे पास तीन है, दो नहीं है, नहीं दो We ही have, है, but हाँ, we have Nauruz also. Ooh, we have three very या strong dramas. या Yeah, okay. थर्ड But आप I think I'll go for Nauruz क्योंकि अभी इसकी कहानी जरा और आगे बढ़नी है. But again, मैंने पहले भी कहा था, मावरा हुसैन performance and शमीज परफॉर्मेंस इज वेल फैबुलस, फैबुलस. मावरा ने जो बीच बीच में हमें दिखाया है ना, उसकी जो
frustrated, how scared she is, her fear, और वो कितना डर रही है, और फिर वो अपने आप को पुल अप कर रही है, और फिर वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रही है. इट वॉज रियली ब्यूटिफुली डन, बहुत खूबसूरत. और जब वो इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग है, इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग है दैट यू आर इंटरटेन्ड, यू गेट स्केयर्ड, यू फील फॉर देम, यू क्राई. सो आई जस्ट लव द वे दे हैव नरेटेड द स्टोरी. अच्छा, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि इतनी जल्दी ये हो जाएगा जो उसकी माँ की डेथ होगी. मेरा ख्याल था एक दो किस्तें अभी चलेंगी, लेकिन वो करके तेजी से, दे आर मूविंग वेरी फास्ट. जब वो आते हैं उनके जो वो बूढ़े जो बड़े जागीरदार हैं, जब वो आते हैं उसके घर पे, डिड यू गेट स्केयर? दादा, दादा जब आते आई हैं, वाज वेरी स्केयर्ड जब उसने कहा कि तुम्हारा तो हाँ नीचे बेसमेंट भी था, उसका हाँ क्या हुआ, वो सब पूछकर, क्योंकि उसके दिमाग में जो है ना बैठा हुआ है कि ये तो अब चला गया है लेकिन ये बच्ची है कहीं. एंड नहीं, लेकिन हाँ वो बच्ची को उससे नहीं कनेक्ट कर रहा है. उसका नहीं ख्याल कि बच्ची को इसने रखा हुआ है, हाँ वो यू नहीं डोंट करा. थिंक उसके जहन में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं आया. तो लेकिन मुझे डर लगा कि अच्छा, फिर दूसरी बार डर मुझे वो तब लगा जब वो छोड़ के वापस आ जाता है, रुश्तीना को छोड़ के सो. वापस हाँ आता है. मैं समझी कि यस इन्होंने डिस्कवर कर लिया होगा, क्योंकि जाते हुए उसने ताला नहीं लगाया था. रुश्तीना उसको हाँ ताला लगाया, उसने ताला नहीं लगाया. तो मैं समझी थी इन्होंने डिस्कवर कर लिया होगा और अब इसकी हालत खराब, बट वो भी नहीं हुआ. बट ऐसा होता है कि आपका दिल जो है ना, वो यहाँ होता है, आपके अभी पकड़े जाएंगे, प्लीज भाग जाओ, प्लीज इसको कुछ मत कहना, प्लीज इसको कुछ नहीं हो. बट द स्केरी थिंग वाज जिस तरह उसने जाके वो सिम कार्ड खाई है, और उसने जो है ना ही न्यू कि हाउ डेंजरस दे आर, एंड सो ही थॉट देयर इज नो अदर वे टू डू. आई मीन दैट होल एक्ट शोड अस कि ये किसी भी लेंथ पे जा सकते हैं, एंड इसको पता है इसलिए इसको ये हरकत करनी पड़ी. एंड बीच में रात के भी छोड़ा था इसीलिए. सिर्फ राबिया, वन थिंग आई वांटेड टू नो, जब आप एक आदमी के पास भेज रहे हैं उस बच्ची को, आप एक दफा खुद फोन नहीं करेंगे वहां टू चेक कि मैं भेज रहा हूँ उसको? मतलब आपने कुछ भी नहीं किया. सो वो मुझे थोड़ा सा लूप होल लगा वहां. हो सकता है कर दिया हो, इट्स ओके. वो मैंने इतना नहीं सोचा, क्योंकि बाकी सब चीजें इतनी ज्यादा हैं कि मैं इसको जाने दूंगी. मतलब दिस इज सच एन इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग के वो उसको, उसका दिमाग फौरन चला, और उसने फौरन, बिकॉज अब तक उसको दिखाया कि वो इतना शार्प बंदा है, उसने फौरन सोचा कि ये मुझे पकड़ेंगे, ये फोन से ट्रेस करेंगे. उसने जाके सिम को ही वो कर दिया कि दे कैन नॉट ट्रेस एनीथिंग किसी, और या फिर अगर वो फोन करे तो वो नहीं फोन कर सके, यू नो. मुझे ये जो स्टोरी टेलिंग है, जो ट्विस्ट हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हैं. और ये कि उसको किस तरीके से उसने सब कुछ सिखाया समझाया, इट वॉज सच अ क्यूट मोमेंट कि वो फोन लेकर आता है, वो उसको सिखाता है, फिर वो फोन पे बात करते हैं, ही इज क्राइंग ऑन दिस साइड. इट इज जस्ट सो इट वाज ब्यूटीफुल इमोशनल, यू नो. एंड कितना सिंपल सीन था ना, एग्जीक्यूटेड सो सिंपली, एग्जीक्यूटेड फैंटास्टिक चीजें करने की जरूरत नहीं थी एंड वी गॉट इट. कोई नो हाई फाई, नो बड़ा एक्शन सीक्वेंस, एनीथिंग. इतना सिंपल, एक बेसमेंट में एक बाप और बेटी. इवन जब रिश्तीना दरवाजा बंद करती है और वो कर रहे होते हैं, वो एकदम से शी ब्रेक्स ब्रेक्स यू नो ब्रेक्स डाउन एंड शी क्राइज. वो इतना नेचुरल था. मतलब हर, मुझे ये लगा कि हर ह्यूमन इमोशंस को जो नेचुरली दैट यू विल गो थ्रू, वो उन्होंने दिखाया. क्योंकि जा रही है, वो कर रही है, वो सब कुछ है, बट एट द एंड ऑफ द डे शी इज अ गर्ल एंड शी इज वेरी स्केयर्ड. सो शी, यू नो, वो बिल्कुल बच्चों की तरह कहती है मुझे नहीं जाना. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी दैट दे आर टेलिंग इन अ वेरी वेरी इंचांटिंग वे. आई फील दैट. It's beautiful and the first time she comes out also, और जब वो बाहर देख रही होती है, then she breathes in, फिर वो अपना you know she हाँ wants to take यार, everything, तो वो it's really very you can relate to it completely, very very well executed. ठीक Okay, है, वी कैन so मूव टू मोहब्बत गुमशुदा मेरी. अच्छा okay, मतलब हमारी इसके ऊपर कोई वो चिक चिक नहीं हो रही है कि कौन सा लास्ट करना है, आपने सीधा कह दिया. Okay चलो ठीक है, बोरिंग क्यों आपने लास्ट रूल. में करना है? नहीं मुझे तो 22 कदम करना है, मैं क्यों छोड़ूंगी 22 कदम. हाँ मैं जो पता है तो मैंने ओके आपसे पंगा ही नहीं ओके लिया. मोहम्मद गुमशुदा मेरी इज रियली गेटिंग माय अटेंशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एवरी वीक, एंड इस टाइम अगेन दे मैनेज टू बैलेंस द टेंडर मोमेंट्स बिटवीन दीज टू एंड द वो जो हमको झकाने वाले मोमेंट्स होते हैं जिसमें हम सोचते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा. एंड ये तो होल एपिसोड इज वेरी फाइनली बैलेंस्ड राबिया, ये नहीं है किसी एक चीज ज्यादा हो गई एक चीज कम हो गई, और जो जहां हमें लेकर जा रहे हैं जिस पॉइंट पे, वो भी हमें समझ आ रहा है कि वो क्यों लेकर जा रहे हैं. और तुम्हारी बात इतनी सही है. वो जो एक और चीज मुझे अच्छी लग रही है कि दे आर शोइंग जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रगल, ग्रीफ, एंड दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. मतलब जैसे तुमने लास्ट टाइम बोला था कि ये ज्यादा, पिछली बार उन्होंने पूरा दिखाया जहां वो एक
टर्मोइल से गुजर रही है उस वक्त नहीं वो इतना खड़ी हुई. इस एपिसोड में जूबिया स्टैंड्स अप एंड जूबिया इज नॉट लिसनिंग टू एनीवन. तो मुझे कितना अच्छा उन्होंने एक एपिसोड में ट्रांजिशन दिखा दिया उसका, कि उसके अंदर जो उबल रहा था उसके अंदर, वो जो माँ बाप ने पुश किया तो वो कैसे निकला है एंड हाउ शी इज रिएक्टिंग. एंड उधर साइम का भी, तो वैसे मैं भी साइम के साथ खुश थी कि जो भी हुआ चलो मंगनी तो रुक गई ना उसकी, अब साइम भी बैठा हुआ था. हाँ, सो ये मुझे ट्रांजिशन इज वेरी गुड, बिकॉज या तो यूजली ड्रामों में बहुत खींचते हैं या बिल्कुल नहीं करते, यहाँ पे बिल्कुल सही. एंड जस्ट व्हेन यू वर गेटिंग अ लिटिल टायर्ड आई थिंक दे शोड दैट ब्यूटीफुल मोमेंट, जो वो ऊपर से हाथ छत पे आता है, उसे हाँ, कहता है छत यस, पे आता है और फिर वो उसको उसके हाथ हाँ, से इशारा करता है, फिर वो मिलते हाँ, ऊपर. बिल्कुल, इट वॉज सो नाइस. वो इतना प्यारा मोमेंट है जो शीशे से वो दोनों करते हैं, टू पीपल हु रियली वॉन्ट टू बी टूगेदर एंड यू आर फीलिंग लाइक दिस इज द काइंड ऑफ लव स्टोरी वी बीन मिसिंग एंड वी वॉन्ट टू सी. यस, फिर वो छत या पे गई, डिड यू रियली थिंक कि वो भाग गई है? आई डिडंट थिंक कि वो भाग गई है, बिकॉज़ ऐसे अभी तो बात शुरू हुई है, अभी तो वो आया है, वो कह रहा है, तो इतनी जल्दी तो ओवरनाइट नहीं भागी होगी। मुझे ये था कि वो दोनों के दोनों छत पे ना बैठे हुए हों सुबह तक और उस पे उसको की डिस्कवरी नहीं हो, तो आई अच्छा, वाज ग्लैड मैं कि दरमियान में थी, मैं कह रही थी नहीं इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि सुबह तक अकेले बैठे हाँ हों. लेकिन फिर मुझे ये लगा कि शायद ये भाग गई है, और मैं सोची थी अबे भाग गई है पकड़ लेंगे क्या होगा. बट बड़ा अच्छा हुआ जब वो सब तैयार थे एंड दे आर एंग्री, और वो दिखाते हैं कि वो छत पे बैठी हुई उधर सो गई है बैठे बैठे. सो दैट वाज सच अ एग्री ग्रेट, लाइक इधर बढ़ा के वो जो आपको वो पॉइंट चाहिए होता है ना, अपलिफ्टिंग एंड यूर क्लैपिंग एंड ऑल दैट, वो बिल्कुल मोमेंट दिया उन्होंने आपको. वो मोमेंट अच्छा था। मैंने ये भी सोचा ये तो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, अगर भाग जाती तो आई वुड हैव फेल्ट अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस कि अच्छा हम कह मैंने रहे हैं ड्रामा तेज होना चाहिए, लेकिन ये तो बहुत ही तेज हो गया। प्रोमो नहीं देखा लेकिन, सो मुझे नहीं पता क्या क्या होगा. लेकिन अब ताया ताई तो इस पॉइंट पे आ गए, माँ भी इस पॉइंट पे आ गई है कि इसकी शादी कर दो साइम से ना. आई सो डोंट दैट नो. इज द इंटरेस्टिंग थिंग, एंड ये जो है ना, ये वो वाला पॉइंट है जो बहुत लव स्टोरीज में हम देखते हैं या पुरानी जमाने की देखी थी, कि जब हीरो हीरोइन एंड इसमें रोमियो और जूलियट में भी ऐसा ही था कुछ, इफ आई रिमेम्बर, कि अब जब वो मान गए तो इन लोगों को नहीं पता होगा कि मान गए, एंड दे माइट एक्चुअली विदाउट नोइंग कि अब तो खानदान हमारे मान गए, एंड दैट्स द ट्रेजिक थिंग दैट दे आर गोइंग टू शो। That will be so sad. नहीं यार इतना नहीं बुलाए ना हमें, प्लीज ऐसा नहीं करें. बट चलो वरना फिर स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी, लेट्स सी क्या होता है. मेरा दिल टूट रहा है सोच के, अभी से दिल टूट रहा There है. is a story, it is, मुझे याद आ रही थी ग्रीक माइथोलॉजी में, कि वो बेटा जा रहा था वॉर पे और वो कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा शिप में, अगर मैं व्हाइट फ्लैग लहरा हूँ उसका मतलब कि हम जीत गए हैं। तो उसका जो किंग होता है वो ऊपर इंतजार कर रहा था माउंटेन पे, और वो जब देखता है तो दे हैड वन, बट दे वर सो एक्साइटेड सेलिब्रेटिंग दे फॉरगॉट टू पुट अप द व्हाइट फ्लैग, एंड द ओहो, किंग थ्रू हिमसेल्फ इन टू द वॉटर एंड ही कमिटेड सुसाइड हाय, थिंकिंग that they have lost। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये वो ये वाला ना ये वाला पॉइंट वो ले आए हैं इस ड्रामे में, अगर that's what they're going to show। ओके. जिंदगी में ऐसा नहीं होता, आप अच्छा काम करें अल्लाह आपको अच्छे की अच्छा ही देगा. मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ. आई डोंट वांट टू हियर सच स्टोरीज एंड आई डोंट वांट टू थिंक लाइफ में ऐसा होता है. आप अच्छा करें, अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सबकी हैप्पी एंडिंग होती है. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छी चलो अच्छी आई लाइक्ड इट वन थिंग फाइनली, उमेराना का जो कैरेक्टर है उनके अब्बा का, ही देन स्टूड अप, ही यू कांट डू दिस विद माय सन, एंड देन बिल्कुल दानियल बैक्ड ऑफ, एंड दानियल्स परफॉर्मेंस इज अमेजिंग, वी स्टार्टेड हेटिंग हिम, एंड अब जूबिया हैज आल्सो स्टार्टेड हेटिंग हिम, बिकॉज़ अभी तक वो थोड़ा सा जो है ना रिस्पेक्ट रख रही थी, बट नाउ शी इज जस्ट हैड इनफ। बस मुझे रुशना पे बहुत गुस्सा आता है. आई मीन ठीक है, क्योंकि तुमने जुबिया का साथ नहीं देना, कम से कम अपने मियाँ के सामने तो बोलो, उसको तो डंडा करो कि हु आर यू टू जज मी लाइक दिस. भाई वो माँ बाप के हाथ नहीं आ रही तो मैं क्या हूँ, और मेरी ड्यूटी थोड़ी है, तुम मुझसे मुझे रिस्पेक्ट से तो ट्रीट करो. आई गेट रियली इरिटेटेड व्हेन यू नो शी इज टेकिंग ऑल दिस फ्रॉम दानियाल. यस आई गेट शी नीड्स टू हैव अ बैकबोन। मुझे तो वो डांट रही थी सुबिया, मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि आप जाए जाके अपने मियाँ को देखें, छोड़ दें आप मुझे मेरे, एंड दैट सीन जब वो पेंटिंग कर रही होती है, टक 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 टक, द फ्रस्ट्रेशन नो, कम्स आउट, इट्स वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। वेरी वेरी, या ओके देन बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड वही जैसे मैंने कहा कि इतना अच्छा लगता है, इट्स सच अ ग्रेट स्टोरी टेलिंग. उसकी एग्जीक्यूशन और अच्छी, और परफॉर्मेंसेस आर अमेजिंग. हर परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत बहुत अच्छी है, तो इसीलिए आपको फील होता है. इवन खुशहाल की आई थिंक ही डिड सच अ ग्रेट जॉब, जिस वक्त वो शीशे के उस तरफ खड़े होकर हाथ ऐसे करता है ना, इट इज सच अ क्यूट मोमेंट. मेरा तो उसको दिल चाह रहा था मैं वीडियो बना के ना उसको खूब ट्वीट भी करूँ, वो भी करूँ कि और जस्ट तुम वो सोच रहे हो हाँ तो करो ना उसको, करो डू इट।
तुम सोचो कि वो बात भी नहीं कर सकते थे ना, फिर भी वी फेल्ट इट, दोनों एक दूसरे से, दोनों के एक्सप्रेशन से वो बात कर रहे थे एंड साइन लैंग्वेज से, बट वी गॉट इट एंड इट वाज एक्चुअली आई हैड अ टियर इन माय आई व्हेन आई सॉ दैट. वही जब आप बोलते हैं ना लव स्टोरीज नहीं देखते लोग और लव स्टोरीज, तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल हाउ यू हाउ पीपल स्टिल वांट टू सी लव स्टोरी एंड हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ रियली गुड लव स्टोरी यू नो एंड बी यस क्रिएटिव. ओके सो जूम का सेशन खत्म हो गया था, हमने दोबारा किया एंड वी हैव फॉरगॉटन हमने कहां से खत्म किया था, मोहब्बत गुमशुदा मेरी. सो लेकिन हमारा रिव्यू कंप्लीट हो गया था. सो शाजिया वी कैन गो टू द नेक्स्ट ड्रामा व्हिच इज 22 कदम, जो आपका फेवरेट है. स्टार्ट कीजिए. 22 कदम अभी शुरू से मेरा फेवरेट था, बिकॉज आई हैड बीन राबिया, मैंने बहुत लिखा था इसके ऊपर कि वेमेन्स क्रिकेट पे एंड रियल लाइफ हीरोज पे हमारी स्टोरीज होनी चाहिए, एंड आई एम सो ग्लैड कि दिस ईयर एंड नॉट जस्ट रियल लाइफ हीरोज एज इन, ठीक है आई नो वी विल बी इंशाल्लाह डूइंग फातिमा जिन्ना, वी हैव डन जनरल निगार, बट यंग पीपल कैन रिलेट टू पीपल हुम दे आर सीइंग अमिडस्ट अस राइट नाउ, दैट इज ऑल्सो, जहां हम उनको करते हैं वहां हमें ये भी करने की जरूरत है ताकि लोग अपने आप को देख सकें, एंड दैट्स वाई आई एंड ऑल्सो कि वो प्रोजेक्ट इस तरह एग्जीक्यूट हो कि हमें समझ आए, और अभी तक हमें बहुत अच्छा समझ आ रहा है. हरीम इज डूइंग अ फैब्यूलस जॉब. आई आई कैन नॉट, यू नो वेन यू सी एन एक्टर एंड यू कांट थिंक कि इसमें किसी और को हम कास्ट कर सकते थे इस रोल में, देन शी इज नेल्ड इट फॉर मी. अच्छा मेरे लिए 22 कदम जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है. जो तुम कह रही हो वो बिल्कुल सही है, बट तुम एक उस पॉइंट से बात कर रही हो कि किस किस लिए जरूरी है इस तरह की स्टोरीज फीचर करना, उन पे बात करना. मेरे लिए हाईलाइट ऑफ द ड्रामा इज द वे दीज स्टोरीज आर बीइंग टोल्ड. बिकॉज जब भी हम ऐसी स्टोरीज उठाते हैं या जब भी हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो हमेशा ये डर होता है कि या तो वो बहुत प्रीची हो जाएंगी या बहुत इमोशनल हो जाएंगी या बहुत बोरिंग हो जाएंगी, दैट पीपल विल नॉट वॉच इट एंड यू विल नॉट गेट द व्यूज दैट इट डिजर्व. बट 22 कदम हैज दिस अमेजिंग स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी एग्जीक्यूशन दैट इट इज सो इंटरेस्टिंग. लाइक दे हैव पिक्ड अप ऑल द एंगल्स. जस्ट लुक एट द वे हरीम और सॉरी फरहीन और उसकी बहन जो है अमो, वो जाती है क्रिकेट खेलने, वो बेट शुरू से वो लगा रही है, करियाना के साथ भी गई उसने शर्त लगाई है. इट इज सच अ रिलेटेबल सिनारियो फॉर यूथ. ठीक है लड़कियां बहुत नहीं करती लेकिन अब लड़कियां भी चेंज हो गई हैं, बट यू नो इतना रिफ्रेशिंग है कि वो क्रिकेट खेल रही हैं और वो जाती हैं और वो उसको हराती हैं. एक तो वैसे ही बीइंग अ वुमन वो एंगल आ जाता है कि देखा हरा दिया, हम लोगों को समझते हो कि हम खेल नहीं सकते, तो शी इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑल दीज इमोशंस आउट देयर ऑल्सो. फिर देखो उन्होंने उसको कितना बेसिक रखा है, मतलब कल वो जो टीम आई मुझे बंदा आया और उसने शर्ट के ऊपर शर्ट वो जो भी पहना हुआ था व्हाइट के ऊपर व्हाइट, वो भी उसे कहती है एंड यू नो एंड ही इज नॉट दिस गुड लुकिंग गाय इन दैट वे. यू नो दीज आर वेरी स्ट्रीट के बच्चे लड़के जिनको आप देख के कहते हैं हाँ ये हर जगह ऐसे ही नजर आते हैं ना, आप गुजर रहे हो तो कहीं दूसरे ग्राउंड में आपको ऐसे ही लोग नजर आएंगे खेलते हुए क्रिकेट यहाँ वो. तो वो इतना रिलेटेबल है और इतने मजे का है कि आपको यू एंजॉय वॉचिंग इट. तो मुझे लगता है यूथ की रिलेटेबिलिटी आती है, रिफ्रेशिंग स्टोरी टेलिंग आती है. वो जो लड़की उनको मिलती है सैमी 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 जो कहती है कि मेरा बाप इसको ओन करता है एंड ऑल दैट, वो जब अपने बाप की मदद करते हुए चीजें उठा रही है ग्राउंड में से, डिड यू सी शी इज ऑल्सो समबडी हु प्लेज क्रिकेट, शी इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग विद दैट बैग. सो इट इज अमेजिंग टू सी दिस काइंड ऑफ these kind of characters. Ammo is also somebody who plays cricket. Kariana का कभी कहीं से निकल आएगा. Then Lisa जो है वो एक लड़की है जिसके पास ये सहूलत है, जिसको ये प्रिविलेज हासिल है कि वो खेल सके और वो खेल रही है, तो उन्होंने उसको एक एक लाइन पे एक स्टोरी के ट्रैक पे उसको नैरो नहीं किया है जो आपको कभी कभी हैवी लगने लगे, उन्होंने उसको इतना ब्रॉड रिफ्रेशिंग लगा है और जगहों पे लपेटा है कि यू एक्चुअली एंजॉय वॉचिंग इट. कि एक लड़की है जो कर भी रही है वो क्रिकेट खेल रही है, कुछ लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दे वॉन्ट टू बी समवेयर बट सो मुझे ना इस पॉइंट से 22 कदम इज अ वेरी रिफ्रेशिंग सरप्राइज फॉर मी. मुझे लीसा का नाम पता करना था, उन्होंने मुझे भी नाम बताया लीसा का, दोरे नायाब होम यू वर टॉकिंग अबाउट, तो इसलिए मैं उनको मैसेज कर रही थी एंड ही लकली आई गॉट इट, बिकॉज आई थॉट इट वाज ग्रेट कि आपका पहला शॉट हो रहा है वहाज के साथ एंड यू आर डिलीवरिंग रियली वेल, इन फैक्ट शी वॉज परफॉर्मिंग रियली वेल ऑन ऑन द ग्राउंड एंड राबिया नॉट ओनली आर दे कवरिंग ऑल द बेसिस एंड डूइंग इट इंटेलिजेंटली एंड इन एन एंगेजिंग मैनर, लेकिन द पीपल हु आर इन द प्रोजेक्ट दे आर मोस्ट ऑफ देम आर ऑल रियल लाइफ क्रिकेटर्स, इसलिए आप देख रहे हैं कि उनकी जो बल्लेबाजी है और उनकी बॉलिंग भी आगे जो देखेंगे एंड हरीन जो है उन्होंने भी बहुत ट्रेनिंग ली है इन गेटिंग, डिड यू सी द वे शी वाज बोलिंग, इट वाज अमेजिंग जिस तरह वो बोलिंग, आप मतलब आप मजाक नहीं उड़ा सकते उनका कि ये गलत कर रही है,
और वो छोटी छोटी चीजें उनकी के और बॉलें रखी नहीं है बहुत सारी है ना, कि पहली दफा उसने कहा था कि रूल है कि बाहर मत फेंकना बॉल को, तो ये कितनी रिलेटेबल चीजें छोटी छोटी बता रही है। साथ जो पैरेलल स्टोरी चल रही है दैट इज ऑल्सो अमेजिंग, इट इज इंटरेस्टिंग। पहले मैं इसको खत्म कर लूँ फिर उसमें आती हूँ। अब नाउ कमिंग टू हाँ दिस क्रिकेट वाली बात का जो तुम कह रही हो। अच्छा सेकंड थिंग उसकी देखो कॉमेडी कितने मजे की है, हाँ बिल्कुल भी फोर्स्ड कॉमेडी नहीं है। यू एक्चुअली लाफ, अगर आप इफ यू आर नॉट लाफिंग आउट लाउड यू विल एटलीस्ट स्माइल। वो पूरा सीन जब वो क्रिकेट ग्राउंड में भागती भी जाती है और वो उसको कहती है जुनेद साहब आप प्रॉमिस करें आप मुझे माफ कर देंगे, लाइक आई वाज लाफिंग सो मच, इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड, इट वाज सो मच फन। और फिर उससे पहले भी ना जब वो उनको नारे लगा रही है यस लीजा गो गो, वो दोनों कहते डॉक्टर क्या हो गया है, वो कहते तुम्हारी कोई फैन आई है। इतना नेचुरल ह्यूमर है एंड इट इज सो रिफ्रेशिंग बिकॉज आई थिंक हम थक गए वो फोर्स्ड एंड थोड़ा सा बहुत ही यू नो बिलो द लाइन कॉमेडी देख देख के, कि ये बड़ा मजा आ रहा था, रिफ्रेशिंग वेरी डिसेंट एंड वेरी रिलेटेबल कॉमेडी के दो दोस्त एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं और वो लगी हुई है वहां से। यू नो पिज्जा पे भी जो सारी कॉन्वर्सेशन थी उन्होंने एक्सेंट का भी वहां पे, हिलेरियस। बट हाँ विदाउट मेकिंग एनी वन फील इंसल्टेड और विदाउट मेकिंग यू फील ओ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट राइट यू नो। तो आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट के स्क्रिप्ट स्टोरी टेलिंग एंड ह्यूमर इज अमेजिंग। मैं कॉन्स्टेंटली स्माइल करती हूँ और इतने अरसे बाद एक वो ड्रामा है जिसको मैं देख के इट्स वन ऑफ माई कम्फर्ट वॉचेस नाउ। I'm also enjoying the father's relationship with his daughters, कि वो ऊपर से डांट रहे होते हैं फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे, एंड आई एम सो ग्लैड मैंने कहा कि ये ना दिखाएं कि ये भी साथ में डांट रही हूँ फिर वो, क्योंकि फिर ना वो एक और तरफ चली जाएगी कहानी। तो उन्होंने दे हैव मेड श्योर दैट दे हैव केप्ट द स्टोरी टू वुमेन्स क्रिकेट एंड दे आर गोना टेक इट इन फ्रंट। एंड इसमें बहुत इंटेलिजेंट बात होती है कि आप बैलेंस करें कि कितना आप हीरो को दिखा रहे हैं और कितना आप लड़कियों को दिखा रहे हैं। एंड आई थिंक सो फार 4 किस्तें हुई हैं 22 कदम की एंड दे हैव नॉट फेल्ट कि दे नीड टू कॉम्प्रोमाइज द स्टोरी बाय गेटिंग मोर व्यूज बिकॉज ऑफ शोइंग द हीरो। एंड बहाज की कहानी अपनी चल रही है आगे एंड चलती रहेगी, वी विल सी इट। जुनेद है आई थिंक उनका नाम, एंड दैट्स वाई हमें किसी कहानी में हम अनइन्वेस्ट नहीं हो रहे, बट वी ऑल्सो नो कि उसकी बहन मशाल की कहानी में अभी कुछ होगा एंड शी विल एंड अप। कितनी अच्छी बैटिंग कर रही थी वो। आई नो वो तो इतना वो सो कहती है 10,000 का है चलो, और वो उसको लेके जाती है। मैंने कहा क्यों लेके जा रही है, दैट वाज सच अ सरप्राइज कि वो बहन भी इतना अच्छा खेलती है। सेकंड थिंग आई वांट टू अप्रिशिएट टू ड्रामास नौरोज एंड दिस वन, मैं भूल जाऊंगी इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ, हरीम का कैरेक्टर एंड मावरा का कैरेक्टर इन दीज टू ड्रामास। मुझे नहीं याद पड़ता कि हम मैंने ऐसा देखा है कि वो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं जो फिजिकली दे आर मूविंग अराउंड सो एक्टिव एंड उनको इतना डिसेंटली शूट किया है। कहीं से भी आपको ऑकवर्ड नहीं लग रहा, कहीं से भी आप कोई बात नहीं निकाल सकते एंड आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट इट। अह्यूज आउट शाउट आउट टू द इंटायर टीम जिन्होंने उनके कॉस्ट्यूम्स किए हैं, टू द एक्ट्रेसेस देमसेल्व्स, टू द होल एडिटिंग टीम, कैमरा एंगल्स, एवरी वन, बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट। यूजली यू नो हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं या हम कहते हैं ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, बट यहाँ हम इतना कुछ होते हुए देख रहे हैं और कहीं आपको इनडिसेंसी या इनअप्रोप्रिएटनेस की एक झलक भी नजर नहीं आती। शाजिया एक्चुअली मोर देन इंडीसेंसी राबिया, व्हाट योर पॉइंट फॉर मी हाईलाइट्स इज के बहुत सारे लोग ये ड्रामा देख रहे होते हैं अपने घरों में, एंड जिसमें लड़कियां होंगी हु वांट टू प्ले स्पोर्ट्स, लेकिन जब उसकी बड़े या फैमिली बैठ के देखे तो उनको लगे ओ देखो ये कितना गलत लग रहा है या ये सही नहीं लग रही। सो दे वर वेरी केयरफुल अबाउट द कैमरा एंगल्स इन दैट सेंस एज वेल, क्योंकि वो कहीं इस तरह लग नहीं रहा, यू डिड नॉट फील कि नहीं मेरी बेटी जाके ये नहीं कर सकती, इनफैक्ट आपको मजा आ रहा होता है देखने में कि ये करना चाहिए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। एंड हरीम का कैरेक्टर फरहीन जो है वो जब भी चलती है वो उठाती है उसके हाथ में दुपट्टा होता है, घर से निकल रही है दुपट्टा है, इन जाते जाते वो लपेट रही होती है इस तरह की शी इज कवर्ड इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। सो आई वॉन्टेड टू अप्रिशिएट दैट। नाउ कमिंग टू द ट्रैक जो जिसकी तुम बात करी थी, सेकेंड ट्रैक जो बहन का है जो रिश्ता आया हुआ है राधा यस मशाल का, अब जी। मुझे कितना उसका मुझे कैरेक्टर इतना अच्छा लगता है। शी जस्ट वांट्स टू गेट मैरिड एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, शी वांट्स टू स्टार्ट हर लाइफ एंड शी इज वेरी क्लियर अबाउट इट, वो शी इज नॉट अपोलोजेटिक अबाउट इट। हाँ वो कर सकती है लेकिन शी इज ओके गिविंग अप हर क्रिकेट इफ शी कैन सेटल डाउन एंड बी हैप्पी, लेकिन बेचारी को ये नहीं पता आगे क्या होने वाला है और वो बच्चे पेरेंट्स कोशिश करते हुए भी गलती करने जा रहे हैं।
अच्छा मुझे ये नहीं लगता कि शी इज कम्प्लीटली ओके, वो अपने माँ बाप को सपोर्ट करिए, शी इज नॉट ए रिबेलियन लाइक हर यंगर सिस्टर, कुछ उसके पास्ट में हुआ है जो हमें आगे आके पता चलेगा. ऑल्सो फरहीन को भी आप देखें तो वो तो सना मीर से मिली तो उसके जहन में ख्याल आया है, सी शी वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट एंड शी इज एनर्जेटिक एंड शी इज एंथुजियास्टिक, लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं थी. उसको डायरेक्शन सना मीर से मिली कि ओ मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, तो उसकी बहन को तो अभी किसी ने डायरेक्शन ही नहीं दी. उसकी कहानी वो तो ठीक है, वो आप जनाब ने पेरेंट्स के हाथ तो कर रही है, इस लड़के को मिली नहीं है, बट शी इज ओके गेटिंग मैरिड एंड शी वुड लाइक टू गो अब्रॉड एंड शी वुड लाइक टू सेटल डाउन एंड हैव अ हैप्पीली मैरिड लाइफ, वरना उसके अंदर कुछ होता लेकिन, और उसके साथ पीछे भी काम खराब हो चुका है ना, शी हैड वन बैड एक्सपीरियंस. बट आई थिंक उसके अंदर ये चीज इसलिए नहीं है क्योंकि उसको खुद ये रियलाइजेशन नहीं है. वो एक सिंपल सी लड़की है जो अपने माँ बाप का के प्रॉब्लम्स देख के उनके सामने सरेंडर कर रही है, स्पेशली अपने बाप की बेबसी देख के, अपनी माँ का इतना एग्रेसिव बिहेवियर देख के. माँ बाप जो है वो कितने माँ इतनी टॉक्सिक है, बाप अच्छा है, एंड दैट वाज रियली बिलो द लाइन जो माँ बाप को कहती है कि आप तो चेयर पे बैठे रहते हैं. दैट वाज सो सैड, आई वाज लाइक ये क्यों बोला इसने यार. बट मुझे हाँ इस बात यार, का है कि वो बार बार जो जर्मनी से फोन नहीं आ रही, तो उसका कुछ ना कुछ, फोन नहीं आ रहा उसकी बात नहीं हो रही तो कुछ दाल में काला है. बट इतने उस तरीके से वो परसिस्टेंट है, उसके घर को विजिट करके उन्होंने दौलत का भी वो डाल दिया उनपे इम्प्रेशन कि माँ तो कन्विंस्ड है, बाप भी उस तरफ चला गया है कि हाँ कर लेते हैं इसकी ना, हम इसकी शादी पे ऑलमोस्ट मान ही गया बाप भी. हाँ दैट इज एक्चुअली वेरी स्कैरी एंड आई होप वो बस रुक जाए वो कहानी. अब आप बहाज पे आना चाहेंगी, जुनेद पे, या दैट इज ओके, जो उन नहीं दोनों मेरे का जो पास पावर प्ले हो रही है, मुझे आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ उन्होंने ना थोड़ी सी पॉलिटिक्स डाली है उसके अंदर, वेयर दे आर टॉकिंग अबाउट बोथ वुमेन्स टीम एंड द मेन्स टीम एंड दे आर सेइंग कि तुम्हें कैप्टन बनना चाहिए एंड दोनों बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है. आई विल गो बैक टू द बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ व्हिच आई शुड हैव फिनिश्ड बाय नाउ, व्हिच इज ऑन पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट, अनवीलिंग जज्बा. एंड जब इसकी इख्तिताम हुआ था तो देखिए, पॉलिटिक्स कम्स इन एवरी फील्ड दैट वी आर इन. मैं उसकी ना तारीफ कर रही हूँ ना बुराई कर रही हूँ, लेकिन वो होता है. सो दे आर शोइंग दैट ओवर हियर, विच मीन्स कि इनका नैरेटिव बड़ा रिलेटेबल है, इट इज रियल, इट्स नॉट जस्ट पिकिंग अप समथिंग फ्रॉम द एयर एंड ब्रिंगिंग इट इन, एंड दे आर शोइंग इट एट डिफरेंट लेवल्स कि अब ये कैसे जाके टकराएंगे आपस में एक दूसरे से. दैट्स इंटरेस्टिंग. तुमने बिल्कुल सही किया. अच्छा है कि वो बहुत से एंगल्स इस स्पोर्ट्स को लेके जो इन्वॉल्व है उसको लेकर आ रहे हैं, लेकिन मेरा फोकस अभी सिर्फ फरहीन और उसके जर्नी पे, मैं भी उसको इतना टेंशन नहीं दे रही. तो वो कहीं रजिस्टर कर रहा है बट इट्स नॉट एट द टॉप ऑफ माई माइंड दिस पोलिटिकल एंगल. ठीक है जी, एनीथिंग ओके, एल्स? सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट. वो दो एपिसोड यू खत्म हो जाते हैं बैक टू बैक एंड यू स्टिल यू नॉट, ऐसा नहीं लगता कि दो एपिसोड देखने, यू एक्चुअली वांट टू वॉच द अदर वन, सो दैट्स ग्रेट. एंड द परफॉर्मेंसेज आर ग्रेट, आई हैव टू सी, आई हैव टू से दैट के बहुत मजा आ रहा है, सबकी परफॉर्मेंसेज सबकी बहुत अच्छी हैं, सो इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग वॉच. वन लास्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू से, जो अब आर्टिकल आएगा इंशाल्लाह इसका, कि एक तो वी आर डूइंग अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स ऑन हरीन्स कॉन्वर्सेशंस विद अस, तो वो हर हफ्ते हम निकाल रहे हैं बिकॉज वी डिडंट वांट टू गिव यू स्पॉयलर्स, तो वो छोटी छोटी रिवील्स उन्होंने करे हैं, तो यू गेट अनदर वन. एंड दूसरा अबाउट बहाज इस कैरेक्टर, जुनेद इस कैरेक्टर, दे हैव सेड कि वो बहुत ही अच्छा एग्जेम्पलरी पाकिस्तानी मेल उसको दिखाएंगे, हिज कैरेक्टर इज गोइंग टू बी रियली समथिंग टू बी इंस्पिरेशनल एंड गो फॉर, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. चलें जी, आप हमारे आर्टिकल्स डू चेक इट आउट एवरी वीक जब वो आते रहेंगे. इसके साथ ही वी विल रैप अप द ड्रामा कप. आप लोग कमेंट्स में अपना व्यू जरूर बताइएगा हमें कि कौन सा ड्रामा आपके टॉप पे इस वक्त, जैसे शाजिया के टॉप पे तो 22 कदम है, मेरे टॉप पे नौरोज है, तो वी वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज के विच वन इज एट योर टॉप टॉप ऑफ योर लिस्ट. दैट्स ऑल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज़.